Hello dear students, a very good evening to all of you. So कैसे हैं आप सभी लोग? Good evening everyone. So जैसा कि आप सभी को आज हमने मैसेज कम्युनिटी में डाल दिया था कि आज आपका उसी के कंटिन्यू में क्लास जाने वाली है। नहीं बेटा नितिन, शायद आपने कम्युनिटी फिर नहीं देखा होगा। कम्युनिटी में मैंने मैसेज पोस्ट कर दिया था कि आज हम क्या लेने वाले हैं, फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कैंसर लेने वाले हैं। कल हमारी क्लास होगी किसकी? फार्माकोग्नोसी की कल क्लास होगी। एग्जैक्टली हाँ जी बेटा अंशिका, मैंने आपका मैसेज पढ़ा, मैं आपको इसके बारे में जरूर बताता हूँ थोड़ी देर में, रुको अभी। चलिए, लेट नहीं हुआ बेटा, ऑलरेडी अभी एक क्लास जस्ट खत्म हुई है, इसीलिए अभी बहुत सारे रिवीजन क्लास वाले बच्चे अभी नहीं आ पाए होंगे, क्योंकि इतने टाइम तक क्लास इतना पैक्ड शेड्यूल चलता है ना, ठीक है, इतना पैक्ड शेड्यूल है कि कहीं हमें टाइम ही नहीं मिल पा रहा है कि हम क्या करें, कहाँ करें, कितना, मतलब एक क्लास खत्म, दूसरी शुरू, दूसरी खत्म, तीसरी शुरू, मतलब लगातार क्लासेस चल रही हैं, क्योंकि हम कहीं ना कहीं तैयारी अपनी अच्छी वे में करने वाले हैं। बिल्कुल विकास, और यही पैक्ड शेड्यूल का सबसे बड़ा मोटो क्या है ना, आप लगातार कुछ ना कुछ सीख रहे हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जरूरी क्या है ना, दीज आर द डेज विच विल मेक यू स्ट्रॉन्गर इन द फ्यूचर। आज की मेहनत आपको फ्यूचर में समझ में आएगी और फ्यूचर में आप उन चीजों को समझ पाएंगे कि हाँ, ये चीजें जो हमने तब मेहनत की थी वो चीजें हमारी अब हमें काम आ रही हैं। सर जीडीसी में आप नहीं आ रहे? बेटा मैं शायद जीडीसी में ही हूं, है ना? चलिए ओके, सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन फार्माकोलॉजी है तो थोड़ा सा मजा आ रहने वाला है, ये तो आप दिमाग में हो ही चुका होगा। तो सबसे पहला आज की क्लास का कंटेंट क्या होने वाला है? फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग। जी हाँ, हम एंटी कैंसर ड्रग के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं, और ये एंटी कैंसर ड्रग से आप मान के चलिएगा आपको अपने फाइनल एग्जाम में भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से देखने को मिलेंगी। बिल्कुल, उसके लिए आप तैयार रहिएगा। बिल्कुल टॉप 100 में आना है तो मेहनत करना पड़ेगा, और जी जान लगा के, एकदम जी तोड़ करके मेहनत करना पड़ेगा, तभी हम कुछ अच्छा कर पाएंगे। बस बेटा प्रांशु, अब टाइम ही कितना बचा है, आज 24th हो गई है, कल उसका ओरिएंटेशन है, 27th से हमारी क्लास शुरू हो रही है, सो गेट रेडी फॉर दैट। जितने भी मेरे रैंकर्स बैच वाले हैं, अगर एडमिशन नहीं लिए हो सो डू इट फास्ट, क्योंकि आपको पहले मैंने बोला था कि आपके फिलिंग सीट्स ऑलमोस्ट हमारी फुल हो चुकी है, उसके लिए नहीं बेटा रोज रोज टॉपिक नहीं बदलते, एक बार कम्युनिटी देख लिया करिएगा, कम्युनिटी एक बार देखोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, एक ही दिन का चेंज किया था। चलिए फार्माकोलॉजी ऑफ एंटी कैंसर ड्रग के बारे में बात करते हैं, आइए इस सीरीज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, जल्दी से करेंगे बेटा। चलिए बेटा शुरूजी दत्ता, मत करो बेटा इस कमेंट का कोई मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा, अगर मुझे समझा देना तो मैं आपकी बात से सहमत हो जाऊंगा। चलिए पहला क्वेश्चन आज की सीरीज में क्या मिल रहा है, ध्यान से सुनो। एंटी कैंसर ड्रग वीकेन होस्ट डिफेंस बाय, देखिए अब आपकी एक चीज पहले ध्यान से सुनिएगा, एंटी कैंसर, कैंसर पहले क्या होता है, कैंसर इज द अनस्टॉपेबल अनकंट्रोल्ड ग्रोथ और अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स, दैट इज द कैंसर, और उसी कैंसर के लिए मेरी ड्रग काम करती है, और वो ड्रग मेरी एग्जैक्टली किसके अगेंस्ट काम करेंगी, वो ड्रग भी तो मेरे बॉडी में ही, मेरे बॉडी के सिस्टम में ही काम करने वाली है। तो इससे मुझे क्या समझ में आता है, इससे समझ में आता है कि वो मेरे सेल को ही डैमेज करने वाली है, और सेल को ही डैमेज करने वाली है, तो चलिए उसके बेसिस पे ऑप्शन निकालिए। वेरी गुड इवनिंग, क्या डैमेजिंग रेस्पिरेटरी एंड गट एपिथेलिया, ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी मेरी ड्रग है जो मेरे जीआईटी रेस्पिरेटरी उनको क्या कर देती है, डैमेज करती है। इंड्यूसिंग ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, यस वी हैव स्टडीड नंबर ऑफ टाइम कि हमारी बहुत सारी ड्रग होती है जो ग्रेन्युलोसाइटोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ये सारी सिचुएशन, या ल्यूकोसाइटोपेनिया ये कॉज करती है, मेरी बातें आपको याद आ रही होंगी, तो ये भी कॉज करती है, ये भी कॉज करती है। अल्टरिंग रेजिडेंट माइक्रोबियल फ्लोरा, कोई भी, जी हाँ,
कोई भी एंटी कैंसर ड्रग मेरे माइक्रोबियल फ्लोरा पे तो काम नहीं करती है. दिस इज नॉट राइट. सो आंसर मुझे ए और बी दोनों मिला. क्या मिल गया आंसर? हियर डी इज द करेक्ट, दैट इज द डी. हाँ जी बिल्कुल. आज की क्लास थोड़ा सा मिड में एंड हो गई होगी क्योंकि टाइम हो गया था, 9 बजे मैराथन है तो शेड्यूल सारा पैक रहता है, इस वजह से मिड में बंद हुई होगी. बट कोई बात नहीं, मुझे लगता है कंटेंट कहीं ना कहीं हमारा जरूर पूरा हो गया होगा. आंसर सभी को डी मिल गया. चलिए ये आंसर डी हो गया, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट. तो देखो क्या क्या मेरी कैंसर ड्रग करती है. मेरी कैंसर ड्रग डैमेज करती है नॉट ओनली रेस्पिरेटरी, नॉट ओनली द गट एपिथेलिया, बट ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी. क्योंकि सारी सेल्स तो वही है. अगर मेरी एक ड्रग है, सपोज अगर मुझे कैंसर हुआ है कहां पे, मान लीजिए कि मुझे कैंसर हुआ है लंग्स में, तो लंग्स में काम करने वाली ड्रग कैंसर पे तो काम करेगी ही करेगी वहां पे, लेकिन साथ में मेरे बाकी सेल को भी तो डैमेज करेगी ना. तो इसलिए आंसर यहां पे आपको देखने को मिलेगा पीनिया का, मतलब ही मेरा इम्यूनिटी डिक्रीज होना. करेक्ट है, तो आंसर मेरा मिल गया. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which one of the following statement is true for the cancer cells? Cancer cells के बारे में कौन सा पॉइंट यहाँ पे सही मिल रहा है? आइए ध्यान से सुनिएगा क्वेश्चन और आंसर करिएगा. कैंसर सेल के बारे में ट्रू पूछा है. ऑनको प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय कैंसर सेल्स एक्ट ऑन द नेबरिंग सेल्स. ऑनको प्रोटीन मेरी नेबरिंग सेल्स पे काम करती है क्या? करेक्ट करिएगा मुझे अगर मैं गलत हूं तो. मेरे हिसाब से तो नहीं करती है, क्योंकि जिस सेल में ऑनको प्रोटीन्स या ऑनको जीन्स प्रेजेंट होती है उसी में कैंसर डेवलप होता है. ऐसा नहीं है एक सेल का ऑनको प्रोटीन्स दूसरे सेल में चला जाए, ऐसा कहीं आपने तो नहीं पढ़ा होगा. सो यस दिस इज नॉट करेक्ट बिकॉज All the cells have their own type of the oncoprotein. So one oncoprotein of one cells will not act on the another cells. So it will not happen that one oncoproteins of one cell will act on the neighboring cells. It will be the incorrect. Cancer cell require stimulation by growth factor. I have clearly mentioned in the classroom and when I have taken the class of the cancer, no growth hormone stimulation is carried out in the presence of growth hormone. Growth hormone is not required for the growth of the cancer. So it will also be incorrect. Cancer cell are highly sensitive to growth inhibitory signal. No any growth inhibitory signal will carried out inhibit the cancer cells. It will also incorrect. Cancer cell produce oncoproteins. Correct hai. In the absence of growth factor or external stimuli. Jhakas hai. Ekdam correct hai. Turant lagaiye. Yes. You have got this answer. ये मेरा क्या हुआ? This is the correct answer and this is the D. Because और ये मेरा previous. ध्यान से सुनिएगा. This question was asked in GPAT 2020. Am I clear? So how secondary cancer causes? Secondary cancer only causes due to the stimulation of that cells. उस cells का stimulation होता है. Radiation होने की वजह से होगा. But no oncoproteins involved for the secondary cancer development. Clear it, Shraddha? Okay. नेक्स्ट, ये मेरा डी हो गया. कम ऑन, चलिए ये सारी चीजें आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा. कॉन्सेप्ट आप मैंने पहले समझाया, कार्सिनोजेनिक म्यूटेशन की वजह से मेरा होता है. नो एनी वहां पे कोई भी स्टिमुलेशन नहीं होता है. क्लासेस का शेड्यूल, अगर मैराथन क्लासेस की शेड्यूल की बात कर रहे हैं तो ऑलरेडी आई हैव मेड अ वीडियो इन दिस. आई हैव गिवन ऑल द शेड्यूल ऑफ द मैराथन क्लासेस, सो यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, वी आर कंटिन्यूइंग. जस्ट वन एक्सेप्शन इज देयर, फार्माकोग्नोसी क्लास विल बी हैपन टुमारो. Cancer cell produce oncoprotein. Exactly. Come on. Which group of anti-cancer drug timozolomide belongs to? Timozolomide किस class की drug होती है? Timozolomide. देखो actually इस question को अगर आप दूसरे angle से समझोगे ना, बाकी यहां पे पहले आप सबसे क्या समझो. Now एक चीज याद रखिएगा, पहले आप सबसे पहले क्या करो ना, यहां पे आप take the elimination rule. क्या लेना है? एलिमिनेशन रूल फॉलो करना है. एलिमिनेशन रूल फॉलो करने के लिए अगर मैं बात करता हूं एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक, नो सच अ एंटीबायोटिक इन केस ऑफ द एंटी कैंसर, लाइक डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन, इपीरुबिसिन, ये सारे हमने रुबिसिन या मेटॉक्सामिन, ये मिटोजैंथिन वाले हमने पढ़े होंगे, वो सारी चीजें याद होंगी. सो नो एंटीबायोटिक. एंटी मेटाबोलाइट, वी हैव स्टडीड थ्री टाइप्स ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट, फॉलिक एसिड डेरिवेटिव, प्यूरिन एंड पाइरिमिडिन. नो वन इज देयर लाइक लाइक हमारा टिमोजोलामाइड. माइटोटिक स्पिंडल इनहिबिटर, नो दिस इज नॉट ऑल्सो. बट ओरल एल्काइलेटिंग एजेंट, यस. नाउ कम टू द ओरल एल्काइलेटिंग एजेंट. इन केस ऑफ द एल्काइलेटिंग एजेंट आई हैव मेड अ ट्रिक फॉर यू. जहां पे हमने क्या पढ़ा था, जहां पे हमने पढ़ा था क्या, नीट एन पढ़ा था, याद है सभी को? और नीट एन में मैंने आपको एक टी पढ़ाया था. टी में आया था क्या, ट्रायाजिन. टी मीन्स
ट्रायाजिन, वैसे यहाँ पे आप नाइट्रोजन मस्टर्ड इथाइलेमीन एल्काइल सल्फोनेट ट्रायाजिन एंड यहाँ पे हमने बात किया था. ओके अब ट्रायाजिन हैव द टू ड्रग्स. ट्रायाजिन में दो ड्रग्स आती हैं. पहली आती है मेरी क्या, डी कार्बाजिन. यस वन इज द डी कार्बाजिन एंड एनदर वन इज द टीमोजोलामाइड. व्हाट इज द टीमोजोलामाइड एंड दिस ड्रग ऑल्सो हैव द कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटरी प्रॉपर्टी. सो दिस इज द मिथाइल. एग्जैक्टली दिस इज द ट्रायाजिन डेरिवेटिव. और ट्रायाजिन डेरिवेटिव किसमें आएगी, ट्रायाजिन डेरिवेटिव मेरी ओरल एल्काइलेटिंग एजेंट में आएगी. चलिए मुझे कंफर्म करिएगा, क्लासिफिकेशन एक बार देखिए क्या. डायरेक्ट मैं आपको केडी त्रिपाठी बुक का क्लासिफिकेशन दिखाने वाला हूं. गेट रेडी फॉर दैट. डी कार्बाजिन, प्रो कार्बाजिन एंड टीमोजोलामाइड. बेटा मैंने नहीं बनाया है, मेरा बनाया हुआ क्लासिफिकेशन नहीं है. एल्काइलेटिंग एजेंट है आपका नाइट्रोजन मस्टर्ड, इथाइलेमीन, एल्काइल सल्फोनेट, ट्रायाजिन एंड नाइट्रोसोयूरिया. नाउ यू हैव मेंशन ट्रायाजिन एंड डी कार्बाजिन. ट्रायाजिन एंड प्रो डी कार्बाजिन एंड प्रो कार्बाजिन. एक्चुअली प्रो कार्बाजिन इज द मिथाइल हाइड्राजिन व्हाइल टीमोजोलामाइड इज द ट्रायाजिन डेरिवेटिव. सो हियर इज द राइट आंसर. यू कैन प्रिफर एथ एडिशन ऑफ द केडी त्रिपाठी बुक. हियर इज द क्लियरली मेंशनड ड्रग टीमोजोलामाइड एल्काइलेटिंग एजेंट. नो मनोज, एल्काइलेटिंग एजेंट इट्स ट्रू, बट मिथाइल हाइड्राजिन डेरिवेटिव इज द प्रो कार्बाजिन. इट्स नॉट टीमोजोलामाइड. टीमोजोलामाइड इज द ट्रायाजिन डेरिवेटिव. सो यस, टीमोजोलामाइड ट्रायाजिन डेरिवेटिव. करेक्ट है. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. मिथोट्रेक्सेट इज यूज्ड. हेलो, शायद आप लोग ने मैराथन क्लास की असली थियरी भूल गए हो. मैराथन क्लास की असली पॉइंट हमने क्या डिस्कस किया था, मेजर पॉइंट यही है कि आपको पेन कॉपी लेके बैठना है और लिखना जरूर है कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत किए, ताकि आप जब रिवीजन क्लास ये रैंकर क्लास के बाद अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो फिर एक बार जरूर देखना क्या आपका वहां पे करेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. प्लीज पुट टेक योर नोट कॉपी एंड पेन. ओके पेन कॉपी उठा के बैठिएगा. बिल्कुल चलिए, फार्मासिस्ट में यही क्वेश्चन आएंगे बेटा, ऐसे ही आते हैं, कोई अलग नहीं आते हैं. चलिए, मिथोट्रेक्सेट इज यूज्ड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑल ऑफ दीज कंडीशन एक्सेप्ट. सब में मिथोट्रेक्सेट यस दिस इज हाईली यूजफुल ड्रग. ये हाईली यूजफुल ड्रग होती है, बहुत सारे डिजीज में यूज होती है, बट हियर इज द ऑप्शन यूज्ड इन ऑल द कंडीशन एक्सेप्ट, किसमें नहीं यूज होती है. चलिए थोड़ा सा बात करें. रिमेटॉइड आर्थराइटिस, यस रिमेटॉइड आर्थराइटिस में हमने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. रिमेटॉइड आर्थराइटिस में दो टाइप से क्लास पढ़ा होगा. फर्स्ट वन इज द DMARD, उसी में मेरी मिथोट्रेक्सेट आती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, डिजीज मॉडिफाइंग एंटी रिमेटॉइड ड्रग्स बोलते हैं, उसमें आती है. नेक्स्ट हमने बात किया था, दिस इज द इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, दिस इज द एंटी कैंसर ड्रग. सो दिस इज द इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, सो इट कैन बी यूज इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, इट ऑल्सो यूज इन द सोरियसिस, बट It's never used in the case of the sickle cell anemia. Sickle cell anemia. This is the genetic disorder. Mainly have the mutation in the valine. जो हमारी valine होता है ना, उस पर mutation की वजह से होता है. So this is incorrect. So it's used in all. Yes. Methotrexate, this is the folic acid antagonist. क्या होता है? Folic acid antagonist होता है. Mainly it act by the dihydrofolate reductase inhibitor. What? Glycine replaced by valine. Correct है. Very good बेटा. हाँ जी. सिकल सेल एनीमिया में ग्लाइसिन हमारा रिप्लेस हो जाता है वैलिन से. That is the genetic disorder. So it will be not there. Okay. कहां यूज होता है, देखो डिफरेंट कंडीशन हमने बात किया. रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, डर्मेटोमाइकोसिस, जियंट सेल आर्थराइटिस, वैस्कुलाइटिस, कैंसर, सोरियसिस, आर्थराइटिस, पॉलीमेटाइटिस, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज, जुवेनाइल क्रॉनिक, डिफरेंट टाइप से यूज होगा, बट नॉट इन द केस ऑफ द सिकल सेल एनीमिया. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट वी हैव. Which of the following anti-cancer drug is cell cycle specific? I have carried out classification in the two types. First, cell cycle specific drug and non-cell cycle specific drug. We have two types of the classes.
इन केस ऑफ द इफोस्फामाइड, इफोस्फामाइड दैट इज एल्काइलेटिंग एजेंट, दिस इज एल्काइलेटिंग एजेंट, मेल्फलैन इज एल्काइलेटिंग एजेंट, साइक्लोफॉस्फामाइड इज एल्काइलेटिंग एजेंट, एंड ऑल द एल्काइलेटिंग एजेंट आर नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, बट विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, इरिनोटिकैन, टोपोटिकैन, दीज ऑल आर द सेल साइकिल स्पेसिफिक. क्या याद आ रही है आप सभी को मेरी बातें? देखो हमने पढ़ा था क्या, एल्काइलेटिंग एजेंट नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, एंटी मेटाबोलाइट सेल साइकिल स्पेसिफिक, एंटीबायोटिक सम ऑफ देम आर नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, सम आर सेल साइकिल स्पेसिफिक, व्हाइल इन केस ऑफ द इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द विंका एल्कलॉइड, टैक्सिन डेरिवेटिव और एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन, सो दीज आर द सेल साइकिल स्पेसिफिक. करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया. और अगर विंका एल्कलॉइड की बात करते हैं, विनक्रिस्टिन एक्ट इन द एम फेस, विनब्लास्टिन एम एंड जी फेज में हमारा काम करता है. सो मेनली दिस इज द एम फेज स्पेसिफिक, विनब्लास्टिन, कम ऑन, विनब्लास्टिन. आपसे बोला क्या, सेल साइकिल स्पेसिफिक, नॉन सेल साइकिल स्पेसिफिक, ऑल द एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटीबायोटिक, मेटल कॉम्प्लेक्स, ऑल द एंटीबायोटिक आर सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक एक्सेप्ट ब्लियोमाइसिन. ब्लियोमाइसिन इज सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग. क्या मेरी बातें याद आ रही हैं? स्पेसिफिक ड्रग कौन सी है? ब्लियोमाइसिन, करेक्ट. चलिए G1S, G2M, G0, ये सारी चीजें हमने पढ़ी होगी. ओके, सेल सेल डिवीजन, कम ऑन, वेरी गुड. इन केस ऑफ द विंका, विंका एंड टैक्सिन, देयर इज अ वन डिफरेंस, इनहांस पॉलीमराइजेशन, इनहिबिट पॉलीमराइजेशन. ये भी दिमाग में आपके आ जाना चाहिए. विंका, विंका रोजिया, यस, कम ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड एक्सेप्ट, ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, कौन सा पॉइंट नहीं सही है? इट इज हाईली रिएक्टिव एंड वेसिकेंट ऑफ कॉन्टैक्ट. ओके, इट इज अ प्रो ड्रग विदाउट एनी डाउट, एकदम करेक्ट पॉइंट है, दिस इज करेक्ट. इट हैज मार्क्ड इम्यूनोसप्रेशन प्रॉपर्टी, यस, साइक्लोफॉस्फामाइड इज इम्यूनोसप्रेशन. इट फ्रीक्वेंटली कॉजेज एलोपेसिया एंड सिस्टिस, यस, बिकॉज साइक्लोफॉस्फामाइड मेटाबोलाइट इनटू द एल्डोफॉस्फामाइड, एल्डोफॉस्फामाइड ब्रेक डाउन इनटू द टू कंपोनेंट, वन इज द एक्रोलिन एंड सेकेंड वन इज द फॉस्फोरिमाइड मस्टर्ड. एक्रोलिन हैव द एडवर्स इफेक्ट ऑफ द एलोपेसिया एंड हिमोरेजिक सिस्टिस, वाइल फॉस्फोरिमाइड मस्टर्ड हैव द एंटी कैंसर प्रॉपर्टी. बट यहां पे आपसे क्या पूछा गया था, एक्सेप्ट, इट इज हैविंग हाईली रिएक्टिव एंड वेसिकेंट ऑन कॉन्टैक्ट. नो, ये मेरा हाईली रिएक्टिव उतना नहीं होता है, एक्सेप्ट पूछा था, हटा दीजिएगा. सारे पॉइंट आपको समझ में आ गया. और ये जो लास्ट वाला आपसे बोला था ना, एलोपेसिया, दिस इज ड्यू टू द एक्रोलिन, यस, दिस इज कॉज्ड बाय द एक्रोलिन, दैट्स व्हाई वी यूज द एंटीडॉट. व्हाट इज द एंटीडॉट ऑफ साइक्लोफॉस्फामाइड? आपकी तरफ से मेरा आंसर आना चाहिए. कम ऑन, यूज फॉर एक्रोलिन, नो, it's not used of the acrolein, this is the adverse effect of acrolein. Okay, jab na yaad aaye to mujhe batayega. Oh, meena to nahi hai beta. I hope aapko mesna yaad aana chahiye, mercapto ethane yaad aana chahiye. Meena kahan se aaya Rasmi? Chaliye, okay, alopecia, cystic, maine bola cyclophosphamide, चेंज इन टू द एल्डोफॉस्फामाइड, हैव द टू कंपोनेंट एक्रोलिन एंड फॉस्फोरिमाइड मस्टर्ड. एक्रोलिन हैव द एडवर्स इफेक्ट, फॉस्फोरिमाइड हैव द मेजर एक्शन. चीजें याद आई? बहुत बढ़िया. चलिए, कंटिन्यूअसली द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग एंड इट ऑलवेज डीमोटिवेट. किसके लिए कर रहे हैं बेटा? अपने लिए. मुझे जी पैट का एग्जाम देना है? आई डोंट थिंक सो. चलिए नेक्स्ट, सेरेब्रलर टॉक्सिसिटी इज सीन विथ, मींस ब्रेन टॉक्सिसिटी, सेरेब्रल टॉक्सिसिटी, ब्रेन टॉक्सिसिटी. कई सारे आपको मैंने टॉक्सिसिटी याद कराए थे, याद आ रही है? चलिए मेरी क्लासेस की थोड़ी सी बात करिएगा. लाइक
Some drug have the hepatotoxicity. If we can say 6-mercaptopurine, 6-thiobutadiene have the hepatotoxic property. Hand and foot syndrome याद कराया था. Capecitabine की बात किया था. Hand and foot syndrome याद आया था. Cisplatin have the vomiting property. Bleomycin की हमने बात किया था. Bleomycin के adverse effect हमने कुछ बात किया था. Actinomycin D. Actinomycin D के बारे में बात करते हैं, जिसको हमने Dactinomycin की बात किया था. सर क्लास लेके खत्म हुए ना होंगे. ज्वाइन थे आंसर क्या मिला? ए बी सी डी. क्या मिला? सेरेब्रल टॉक्सिसिटी इज द मेजर एडवर्स इफेक्ट. हां जी, जैसे डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन, हार्ट कार्डियोटॉक्सिसिटी हमने बात किया था. एरासी ब्लियोमाइसिन में लंग फाइब्रोसिस की बात किया था. बहुत बढ़िया बेटा, वेरी गुड. सिस्प्लैटिन नेफ्रोटॉक्सिक एंड वोमिटिंग कॉजिंग होता है. ब्लियोमाइसिन सिस्टिक फाइब्रोसिस. सर मेरा यूनिवर्सिटी की नेम नहीं शो कर रहा है, क्या फिल करो फॉर्म में? अदर डाल के बेटा डाल दो. चलिए बहुत बढ़िया. क्या याद आया यहां पे? सेरेब्रल टॉक्सिसिटी इज ड्यू टू द साइटारा बी, ऑल्सो नोन एज द करेक्ट आंसर फॉर द सेरेब्रल टॉक्सिसिटी. हैव अ लुक ऑन द डिफरेंट ड्रग. 5-fluorouracil हैंड एंड फूड सिंड्रोम, कैपेसिटाबिन हैंड एंड फूड सिंड्रोम, 6-mercaptopurine थायोग्विनिन हेपेटोटॉक्सिसिटी, जेमसिटाबिन डायरिया, मेथोट्रेक्सेट हेपेटोटॉक्सिसिटी, ऑल एंटी मेटाबोलाइट, ऑल द एंटी मेटाबोलाइट, नॉट ओनली मेटाबोलाइट बट ऑल द ड्रग विच एक्ट इन द फॉलिक एसिड. जो भी फॉलिक एसिड पे काम करती हैं, वो सारी ड्रग क्या करती हैं? बोन मैरो सप्रेशन करती हैं. क्या करती हैं? बोन मैरो सप्रेशन करती हैं. चलिए नेक्स्ट आ जाइए. विनक्रिस्टिन डिफर्स फ्रॉम विनब्लास्टिन. विनक्रिस्टिन डिफर्स फ्रॉम विनब्लास्टिन, यस, इन द फॉलोइंग रेस्पेक्ट. कैसे डिफर करती है? एक बेसिक क्वेश्चन था. बेसिक चीजें आपको एक चीज मैंने क्लियर कराया था. क्या याद कराया था? थोड़ा सा एक बार थोड़ा याद करिएगा. फर्स्ट क्या है? इट्स प्रोमिनेंट एडवर्स इफेक्ट इज न्यूरोपैथी. यस, विनक्रिस्टिन एडवर्स इफेक्ट हैव द न्यूरोपैथी. यस, दिस इज द करेक्ट. इट फ्रेक्वेंटली प्रोड्यूस्ड एलोपेसिया. विनक्रिस्टिन ऑल्सो कॉजेज द एलोपेसिया. इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली डिप्रेस बोन मैरो. ऑब्वियसली बोन मैरो कौन डिप्रेस करेगा? अभी आपसे बोला था, बोन मैरो डिप्रेशन वही करेंगी जो मेरे फॉलिक एसिड पे काम करेंगी. बट विनक्रिस्टिन मेनली एक्ट इनटू द माइटोटिक फेज, सो इट डज नॉट सिग्निफिकेंटली इनहिबिट बोन मैरो. सो ऑल दीज थ्री आर करेक्ट. सो आंसर विल बी द एओटा. आंसर विल बी द ऑल ऑफ द अबव. ऑल ऑफ द अबव. ए पे क्यों गए भाई? अच्छा, इट डज नॉट. बेटा आपसे करेक्ट पूछा है. अच्छा, सी करेक्ट नहीं है क्या? जरा मुझे कंफर्म करना. विनब्लास्टिन, यस, सुनो, विनब्लास्टिन हैव द एडवर्स इफेक्ट बोन मैरो सप्रेशन बट नॉट इन द विनक्रिस्टिन. विनब्लास्टिन की बात करते हैं, विनब्लास्टिन मेरा नेफ्रोटॉक्सिसिटी करती है बट विनक्रिस्टिन की बात करूंगा तो एलोपेसिया करती है. प्लीज इसको थोड़ा सा याद रखिएगा. विनक्रिस्टिन फॉर्मेल्डिहाइड, विनब्लास्टिन मिथाइल डेरिवेटिव. बहुत बढ़िया. विनक्रिस्टिन चाइल्डहुड एक्यूट ल्यूकेमिया के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है. क्वेश्चन नहीं समझ में आया, क्वेश्चन क्या कह रहा है? विनक्रिस्टिन और विनब्लास्टिन में क्या डिफरेंस होते हैं? विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन में क्या क्या डिफरेंस होते हैं? पहला पॉइंट आपको डिफर करा दिया कि विनक्रिस्टिन एलोपेसिया कॉज करती है, विनब्लास्टिन नेफ्रोटॉक्सिसिटी कॉज करती है. विनक्रिस्टिन केवल माइटोटिक पे काम करती है, विनब्लास्टिन मेरी माइटोटिक पे भी है, लेकिन साथ में मैंने आपको बताया था एस फेज में भी काम करती है. क्लासिफिकेशन थोड़ा याद करिएगा, शायद ये भी पॉइंट आपको मिल गया. एंड वही मैं आपसे बोला, क्या फर्दर क्या है? न्यूरोपैथी, यस. विनक्रिस्टिन की बात करता हूं तो विनक्रिस्टिन मेरा न्यूरोपैथी भी करता है, एटैक्सिया भी कॉज करता है, नर्व पैरालिसिस भी कॉज करता है. विनक्रिस्टिन के ही सारे एडवर्स इफेक्ट हैं. आई होप मेरी बात आप तक पहुंच रही होगी, अभी कंफ्यूजन दूर हो रहा होगा. आंसर क्या हुआ? ऑल ऑफ द अबव. अरे वाह, बहुत बढ़िया. चलो बेटा जल्दी से स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट उठाओ.
विनक्रिस्टिन की बात हो रही है, न्यूरोपैथी, एलोपेसिया, एटैक्सिया, नर्व पैलसिस यहां कॉज करेगा, ऑटोनॉमिक डिसफंक्शन एंड पैरालिटिक इलियस कॉज करेगा, जबकि विनब्लास्टिन में बोन मैरो डिप्रेशन, न्यूरोटॉक्सिसिटी यहां पे कॉज होगा, एलोपेसिया बहुत कम होता है, सिंड्रोम ऑफ एंटीडायबिटिक हार्मोन सिक्रेशन का इनअप्रोप्रिएट सिक्रेशन होता है. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विनक्रिस्टिन एंड विनब्लास्टिन. विनक्रिस्टिन विनब्लास्टिन के बीच का डिफरेंस क्या है आपसे ये यहां पे पूछा गया है. क्या मेरी बात पहुंची? विनब्लास्टिन बोन मैरो सप्रेशन, बीबी याद रखना, बहुत बढ़िया. चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है. नाइन्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग इज माइटोटिक इनहिबिटर एंड कॉजेज मेटाफेज अरेस्ट. इतनी बार बोल चुका हूं ना, अब तो आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, बैठ जाना चाहिए. माइटोटिक फेज, एम फेज, एम फेज पे कौन सी ड्रग काम कर रही है? मैंने आपसे बोला था टैक्सिन डेरिवेटिव काम करेंगी, दूसरी आपकी कौन सी काम करने वाली है? विंका डेरिवेटिव काम करने वाली है. सो हियर राइट आंसर विल बी द बिसल्फैन. नो, बिसल्फैन दिस इज नॉट एम फेज एक्टिंग. बिसल्फैन मेरी क्या होती है? ये मेरी अल्कालेटिंग एजेंट आती है. विनक्रिस्टिन यस, साइटाराबिन दिस इज द एंटी मेटाबोलाइट, प्रोकार्बाजिन दिस इज ऑल्सो द अल्कालेटिंग एजेंट. सो दिस विल ऑल्सो बी नॉट करेक्ट. आंसर क्या हुआ? विनक्रिस्टिन. केवल और केवल एक लाइन में आंसर आना चाहिए, विनक्रिस्टिन सभी का आंसर आना चाहिए, कोई कंफ्यूजन नहीं है. ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं. विनक्रिस्टिन सभी को मिला. चलिए, माइक्रोटिब्यूल पॉलीमराइजेशन इनहिबिटर, इट अरेस्ट द सेल इन मेटाफेज बिकॉज द इट इनहिबिट द माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन. स्पिंडल फॉर्मेशन का ये क्या करेगा? इनहिबिट कर देगा माइक्रोटिब्यूल फॉर्मेशन. करेक्ट है. नेक्स्ट आ जाओ, मेस्ना इज एडमिनिस्टर्ड विथ फॉस्फामाइड एंड साइक्लोफॉस्फामाइड, पोटेंशिएट देयर साइटोटॉक्सिक. नो, पोटेंशिएशन नहीं आएगा. रिटार्ड देयर रीनल एक्सक्रीशन, ब्लॉक देयर इमिटिक एक्शन, एमलियोरेट सिस्टिस. बस मिल गया, मिल गया आंसर आपको. ऑब्वियस सी बात है, अभी आपसे पहले क्वेश्चन में यही बोला था, क्यों मेस्ना दिया जाता है किसके साथ? साइक्लोफॉस्फामाइड या फॉस्फामाइड के साथ, बिकॉज द एक्रोलिन विच प्रोड्यूसेस द एडवर्स इफेक्ट फॉर द हिमोरेजिक सिस्टिस एंड एलोपेसिया, दैट विल बी इनहिबिटेड बाय द मेस्ना. वही हमारा मेस्ना उसको इनहिबिट करता है. तो आंसर सिंपल हुआ ना यार, क्यों क्यों कंफ्यूजन करना, क्यों कंफ्यूजन करना? डायरेक्ट आंसर दे रहा है ना, कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए. जब आपने पढ़ा है, जैसे आप फॉलिक एसिड की बात करोगे, प्रिवेंट करेगा मेथोट्रेक्साइड टॉक्सिसिटी. लिथियम कार्बोनेट की बात करोगे, लिथियम कार्बोनेट ये स्टिमुलेट इफेक्ट होता है, बोन मैरो सप्रेशन यूज ड्यूरिंग द मायोसप्रेसिव ड्रग थेरेपी के बेसिस पे बात करेंगे. ओंडेंसेक्ट्रोन हमारी वोमिटिंग के लिए यूज होती है. क्या मेरी बात समझ में आई? एलोपेसिया इनहिबिट. कम ऑन, नेक्स्ट. सेलेक्ट द ड्रग विच इज यूज एक्सक्लूसिवली इन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड ऑटोइम्यून डिजीज बट नॉट इन कैंसर. थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, सब में यूज करेंगे, कैंसर में यूज नहीं करेंगे. बहुत बढ़िया, वेरी गुड. इस क्वेश्चन में अगर आप कंफ्यूज हुए, मतलब है कि आपने बिल्कुल भी ध्यान से पढ़ा नहीं है ऑप्शंस को. क्वेश्चंस बहुत इजी लग रहा, बहुत बढ़िया. आओ बेटा, कम ऑन. साइक्लोफॉस्फामाइड, यस दिस इज द एंटी कैंसर. मेथोट्रेक्साइड दिस इज ऑल्सो एंटी कैंसर. 6-mercaptopurine दिस इज ऑल्सो एंटी कैंसर. बाकी सब भूल जाओ, केवल इस लाइन में आंसर है, बट नॉट इन कैंसर. कैंसर में कौन सी यूज नहीं होती? आंसर आता है साइक्लोस्पोरिन. यस, साइक्लोस्पोरिन की बात करते हैं, तो साइक्लोस्पोरिन आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा. कहां पे? ट्यूबरकुलोसिस में पढ़ा होगा. टीबी में यूज होता है, इजी है, बेसिक है, बस खाली ऑप्शंस को ढंग से पढ़ने की जरूरत है. बट यस, दिस इज ऑल्सो साइक्लोस्पोरिन, दिस इज ऑल्सो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग, दिस इज ऑल्सो यूज इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, बट नॉट इन द कैंसर. कैंसर में यूज नहीं होता. ऑड वन आउट कर दो, बात कर दो. साइक्लोस्पोरिन की बात करूंगा, ये मेरी क्या होती है? सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर मेनली होती है. थोड़ा सा अगर याद करके आपको ये याद आ रहा होगा, साइक्लोस्पोरिन एंड एजाथियोप्रिन. बहुत बढ़िया, करेक्ट है, साइक्लोस्पोरिन मिला आंसर. देखो जल्दी से बोलते हैं, साइक्लोस्पोरिन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में, ऑटोइम्यून डिजीज में यूज होती है, कैंसर में कोई रोल नहीं होता है. साइक्लोफिलिन से बाइंड होती है, इनहिबिट करती है कैल्सिन्यूरिन को, जिसकी वजह से टी सेल्स एक्टिवेशन इनहिबिट होता है एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी को इनहिबिट करती है. बस यही तो पकड़ना था. चलो नेक्स्ट आ जाओ, बहुत लेट हो बच्चे आप लोग आज, बहुत लेट हो. विच एंटी न्योप्लास्टिक ड्रग इज पेप्टाइड? बहुत बढ़िया, सिंपल पूछा जा रहा है क्या?
पेप्टाइड डेरिवेटिव एंटी कैंसर ड्रग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पेप्टाइड डेरिवेटिव एंटी कैंसर ड्रग। डायरेक्ट क्वेश्चन आपने यहां पे पढ़ा होगा, एंड लेट मी क्लियर, बहुत अच्छे से इसको याद कराता हूं। दिस इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द टेस्टिकुलर कैंसर, के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, हां जी, साइक्लोस्पोरिन एलेनिन रेसिमेज, एलेनिन रेसिमेज को इनहिबिट करती है। नो नो नो, एलेनिन रेसिमेज ठीक तो है बेटा सेल वॉल पे, हां जी बिल्कुल। अच्छा कोई बीटा लैक्टम में चला गया क्या? बीटा लैक्टमेज इनहिबिटर नहीं, एस्पार्टेट एंजाइम, बहुत बढ़िया। चलो अच्छा बोलो, सबके आंसर बदलाऊं, सबके ऑप्शंस ना, एक आंसर में सबके आंसर बदल जाएंगे, क्योंकि क्या है, सब लोग भेड़ चाल चले हैं, क्या किए हो, भेड़ चाल चले हो, क्वेश्चन सुने नहीं हो, और खासतौर पर मैंने जो बोला था वो तो बिल्कुल नहीं सुने हो। जल्दी से मुझे कंफर्म करना मैंने आपसे क्या बोला था, जल्दी से मुझे कंफर्म करना मैंने आपसे क्या बोला था, टेस्टिकुलर कैंसर के लिए ड्रग ऑफ चॉइस दैट हैव द पेप्टाइड, यस दैट हैव द पेप्टाइड इन नेचर, वन एंड ओनली वन ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन यूज्ड एज द सेल साइकिल स्पेसिफिक ड्रग, एंड दिस इज द ड्रग विच यूज्ड दैट हैव द पेप्टाइड इन नेचर ब्लियोमाइसिन। कौन बोला, एस्पार्टेम यानी एस्पार्टेट एंजाइम, और एस्पार्टेट एंजाइम पेप्टाइड डेरिवेटिव हो गया, बहुत बढ़िया, पेप्टाइड ड्रग। कौन है वो महानुभाव, थोड़ा उसको मेरे पास लेके आना, कौन है वो महानुभाव जो एस्पार्टेज एंजाइम को या एस्पार्टेम को कैंसर में यूज कर रहा है, बोलो जल्दी, कहां पढ़ा था बेटा आपने इसके बारे में? मैंने नहीं पढ़ाया, एक ही एंजाइम पढ़ाया है, कौन सा याद कराया था, एल एस्पार्जिनेज, एल एस्पार्जिनेज, एस्पार्टेम तो कहीं नहीं बताया था यार, बात समझ में आई? टेस्टिकुलर में मेलफेलैन होगा, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं, बट ब्लियोमाइसिन भी है, वो टेबल उठा के एक बार देख लेना साहब मधुर जो पढ़ाया था, बात समझ में आई? आंसर है ब्लियोमाइसिन, वेलिनोमाइसिन, डैक्टिनोमाइसिन, इनकी बात मत करना, ये सब एक्टिनोमाइसिन भी उसी क्लास में डेरिवेटिव आती है, आंसर क्या होगा, ब्लियोमाइसिन, ब्लियोमाइसिन इज द स्मॉल पेप्टाइड बिलोंगिंग टू द एंटीबायोटिक क्लास में आती है, मिक्सचर होता है ग्लाइकोपेप्टाइड एंटीबायोटिक का, हाईली इफेक्टिव इन टेस्टिकुलर ट्यूमर में मेरी यूज होती है, विद सिस्प्लैटिन, विनब्लास्टिन और इटोपोसाइड के साथ में यूज होती है। क्या यूज याद आया मेरी बात की, अभी दूसरी तरीके से याद कराऊं, देखा ओवर स्मार्टनेस का नतीजा, तो क्या करना है मेरी क्लास में, स्मार्ट बनना है, ओवर स्मार्ट नहीं बनना है। नहीं आओगे क्लास में, मैं घर पे आपको बताने आ चुका हूं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, लेकिन डिजिटल में तो जुड़ना पड़ेगा ना, जब डिजिटली भी नहीं जुड़ोगे तो बेटा मैं कैसे आपको पढ़ा दूंगा। एस्पार्टेम स्वीटनिंग एजेंट होता है, वाह थोड़ा, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया, मैं उन लोगों से एकदम से दिल गार्डन गार्डन हो गया, दिल गार्डन गार्डन हो गया, जिन्होंने एस्पार्टेम का अभी एस्पार्टेम यूज कराए हो, कल सैक्रिन भी यूज करा देना कि एंटी कैंसर ड्रग है सर, सैक्रिन स्वीटनिंग एजेंट तो ये भी है, कुछ दिन बाद मैनिटॉल और उसके बाद सुक्रोज भी यूज करा देना, आप लोगों से बड़ा रिसर्चर, कहीं ऐसा तो नहीं आप लोग खाली और खाली है कोविड इरा वाले स्टूडेंट हो, ऐसा टैग तो नहीं लेके जाना चाह रहे हो ना, किताबें और कभी वीडियोस खोल के देखा करो, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ 50 ईयर ओल्ड वुमेन हेमा हैज बीन डायग्नोज्ड विथ लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर, ओके, एंड रिकमेंडेड फॉर कीमोथेरेपी, सी हैज 5 ईयर हिस्ट्री ऑफ द मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, विच एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग शुड बी अवॉइडेड, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग शुड बी अवॉइडेड। चलिए थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए आ जाइए, चलिए समझ में आया है क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनो, मैं मेजर पॉइंट मेंशन कर देता हूं, एक लेडी है, इन लेडी 50 इयर्स की है,
और इनको क्या है, इनको डायग्नोज हुआ है लोकली एडवांस्ड ब्रेस्ट कैंसर एडवांस हुआ है। क्या हुआ है, इनको पता चला है कि इनको ब्रेस्ट कैंसर है। ओके, रिकमेंडेड कीमोथेरेपी, कीमोथेरेपी देना है बिल्कुल। सी हैज 5 years हिस्ट्री ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन, और इनको साथ में क्या है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है। मायोकार्डियल इन्फेक्शन पहला चीज याद आ गया। कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर, कंजेस्टिव हार्ट फेल्योर है, बहुत बढ़िया। देखो क्वेश्चन कितना बड़ा है, और मजेदार चीज अभी सुनने की कोशिश करिएगा। शुड बी अवॉइडेड, कितने मेरे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ रूबी याद किया है, क्या याद किया है, रूबी याद किया है, रूबी हानिकारक है। और वैसे भी अभी तो फरवरी का महीना ही चल रहा है, पता नहीं कितनों का हान तो अभी हुआ होगा, है ना। क्या याद आया, एंथ्रासाइक्लिन, हां जी, एंथ्रासाइक्लिन डेरिवेटिव, डॉक्सोरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन, इपीरुबिसिन, ऑल द रुबिसिन डेरिवेटिव आर हार्मफुल फॉर द हार्ट, हार्ट के लिए हानिकारक है। लेडी को ऑलरेडी मायोकार्डियल इन्फेक्शन एंड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है यार, उसको अगर आप ऐसी ड्रग दे दिए जिसने हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया, पता चला फिर तो लेडी बेचारी न जाने से पहले ही निकल लेगी। करेक्ट है, चलिए आंसर आपको मिल गया होगा, चलिए आगे, बहुत बढ़िया। सिंपल, चाहे आप इडारुबिसिन, डॉक्सोरुबिसिन, इपीरुबिसिन, डाउनोरुबिसिन, सब मेरी क्या है, कार्डियोटॉक्सिसिटी प्रोड्यूस करती है, बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टरिलिटी इज कॉज्ड बाय, स्टरिलिटी समझ रहे हो, इनफर्टिलिटी, सिंपल आप बोलो स्टरिलिटी और इनफर्टिलिटी इज कॉज्ड बाय, कौन है जो इनफर्टिलिटी या स्टरिलिटी कॉज करता है। ओके सर, स्क्रीन की ब्राइटनेस कम कर दीजिए, वर्ड हल्के से ब्लर हो रहे हैं। नहीं ठीक है, चलिए क्या मिला सर, जिसकी अच्छे से प्रिपरेशन हुई आपकी 3000 क्वेश्चंस से हिम्मत आ रही, बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। लेकिन मेरी हिम्मत आप लोग तोड़ रहे हो, पहले बता दे रहा हूं, और मेरी हिम्मत तोड़ोगे जिस दिन भी, फिर मैं क्या है थोड़ा सा ना सनक जाता हूँ, फिर लगता है यार क्या फायदा यहाँ पे मेहनत करके, मैं बेटर है इतना टाइम अपने 23 वाले बैच को या अपने पेड़ वाले बच्चों को दूंगा तो शायद मेरा थोड़ा ज्यादा अच्छा होगा ना। अगर आप लोग पढ़ना नहीं चाहते हो, मुझे इससे दिक्कत नहीं है, जो पढ़ना नहीं चाहते दिक्कत उनसे होती है। चलिए बहुत बढ़िया, एस्टरलिटी, विंकाइल क्लोराइड, एल्काइलेटिंग एजेंट, एंटी मेटाबोलाइट, एक्टिनोमाइसिन डी, क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है भैया। स्टरिलिटी केवल और केवल मेरे विंका एल्कलॉइड, सॉरी, केवल और केवल एल्काइलेटिंग एजेंट कॉज करते हैं। हां जी, एल्काइलेटिंग एजेंट ही इनफर्टिलिटी कॉज करते हैं, आंसर होगा एल्काइलेटिंग एजेंट। बाकी विंका, एंटी मेटाबोलाइट, एक्टिनोमाइसिन डी, ये सब कोई भी ड्रग, ये सब कोई भी ड्रग मेरी ऐसी नहीं है जो यहाँ पे क्या करती हो, स्टरिलिटी यानी इनफर्टिलिटी कॉज करती हो। तो आंसर क्या होगा, एल्काइलेटिंग एजेंट की बात करना, जैसे सब इजी हो रहा है ना, चलो बढ़िया है, आओ आओ इजी, देखो ना कितना इजी क्वेश्चन आंसर दिया है आप लोगों ने, थोड़ा देखना। मैंने आपसे सिंपल पूछा था एल्काइलेटिंग एजेंट का मेजर एडवर्स इफेक्ट होता है क्या, गैमेटोजेनेसिस को डिप्रेस करना, गैमेटोजेनेसिस को डिप्रेस करना, बात समझ में आई, गैमेटोजेनेसिस डिप्रेस होगा, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्पर्म का फॉर्मेशन नहीं होगा, स्टरिलिटी कॉज होगा कि नहीं होगा, एंड स्टरिलिटी एंड सेकेंडरी ल्यूकीमिया, सेकेंडरी ल्यूकीमिया खाली मत लीजिएगा, यहाँ पे एमनोरिया, ओवेरियन एट्रोफी इन फीमेल्स, ये सारी चीजें मुझे देखने को यहाँ पे मिलेंगी, तो प्लीज इन सारी चीजों को लेके चलिएगा। करेक्ट है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, अ पेशेंट रिसीविंग एलोप्यूरिनॉल, बहुत बढ़िया, क्या बताया था, एलोप्यूरिनॉल इज द ड्रग विच इज द इनहिबिटर ऑफ द हाइपोजेंथिन, हाइपोजेंथिन इज द एंजाइम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेटाबोलिज्म ऑफ द 6-मर्केप्टोप्यूरिन, सो 6-मर्केप्टोप्यूरिन मेटाबोलाइज बाय द जेंथिन ऑक्सीडेज विच इज ऑलरेडी इनहिबिटेड बाय द एलोप्यूरिनॉल। अरे भाई जेंथिन ऑक्सीडेज है ही नहीं तो 6-मर्केप्टोप्यूरिन का मेटाबोलिज्म नहीं होगा,
6 मार्कअप के प्यूरिन का मेटाबॉलिज्म नहीं होगा तो बॉडी में उसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उसका डोज क्या करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स मेरे ऐसे तो नहीं है जो 6 थायोग्वेनिन को भी लेके चल दिए हो, मत लेके चलना, डायरेक्ट 6 थायोग्वेनिन का नहीं होता है, किसका होता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन, साइक्लोफोसोमाइड, थायोग्वेनिन एंड सेमेटिडिन पे यहां रोल ही नहीं है, मेनली कौन सा होता है 6 मर्केप्टोप्यूरिन की बात होती है। 6 मर्केप्टोप्यूरिन एंड इसी की प्रोड्रग एजाथियोप्रिन, यस एजाथियोप्रिन भी पकड़ लीजिएगा, ये दोनों ड्रग है मेरी जो एलोप्यूरिनॉल के प्रेजेंस में क्या होता है, उनका डोज रिडक्शन रिक्वायर्ड होता है, करेक्ट है, बिकॉज बोथ आर मेटाबोलाइज्ड बाय द जैंथिन ऑक्सीडेज एंजाइम, करेक्ट। चलिए 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 आगे आइए आगे आइए आगे आइए, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, वेरी गुड दीपा, जल्दी मिलेंगे बेटा, परेशान मत हो। मेंटेनेंस ऑफ हाई यूरिनरी पीएच इज इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग मेथोट्रेक्सेट ट्रीटमेंट बिकॉज, एक ही लाइन का आंसर है, हाई यूरिन पीएच, व्हाई फॉर द मेथोट्रेक्सेट हाई यूरिन पीएच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन, क्यों मेंटेन किया जाता है भाई, कुछ याद आ रहा है आप लोगों को, मैंने दो कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, रैंकर्स बैच की क्लास 25th, आज क्या है 24th, यानी कल से, कल उसका ओरिएंटेशन है, सो यस नाउ यू हैव लेस देन 20 आवर्स लेफ्ट जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो, तो इफ यू वांट टू टेक द एडमिशन गो इट फास्ट, डेफिनेटली आई कैन एश्योर यू, यू विल हैव वेरी सिग्निफिकेंट चेंज इन योर प्रिपरेशन, इस चीज का मैं प्रॉमिस जरूर करूंगा। क्या बताया था, एक ड्रग है, एक एसिडिक ड्रग है तो बेसिक पीएच, बेसिक ड्रग है तो एसिडिक पीएच, किसकी बात हो रही है, मेथोट्रेक्सेट की बात हो रही है, मेथोट्रेक्सेट दिस इज क्या, ये मेरी क्या होती है, वीक एसिड होती है, क्या होती है बच्चों, वीक एसिड होती है। अब अगर इसका मुझे एक्सक्रीशन कराना है, एक्सक्रीशन कराना है तो पीएच का, यूरिन का पीएच क्या करना पड़ेगा, बेसिक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, हाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, पहला चीज। दूसरा, ब्लैडर इरिटेशन से कोई मतलब नहीं, इट डिक्रीज रेनल ट्यूबुलर सिक्रीशन ऑफ मेथोट्रेक्सेट, अरे भाई कोई मतलब नहीं, ल्यूकोवेरिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज बाय द डिहाइड्रेटेड पेशेंट, ओए हेलो इधर आओ जरा, जिसने सी दिया है थोड़ा सुनो मेरी बात, ल्यूकोवेरिन टॉक्सिसिटी इज इंक्रीज, अरे ल्यूकोवेरिन की टॉक्सिसिटी कहां से आ गई, अरे भाई ल्यूकोवेरिन की टॉक्सिसिटी कहां से ला दिए आप, आपको तो यहां पे इनहिबिट करना है, सो आंसर क्या हुआ, मेथोट्रेक्सेट इज वीक एसिड, दैट्स व्हाई इट रिक्वायर्ड बेसिक पीएच। प्रतीक्षा डेफिनेटली हेल्प जरूर होगा, आप कितना मेरे साथ मेहनत कर सकते हो इस पे डिपेंड करेगा, अगर आपके अंदर जुनून है ना, आपने कुछ पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, मेहनत करने की अगर ललक है आज से, तो मैं कहूंगा रैंकर्स बैच ज्वाइन करना, मेहनत नहीं करना चाहते हो ना प्लीज मत करना, करेक्ट है, बहुत बढ़िया, करेक्ट है यहां पे आंसर, भैया ल्यूकोवेरिन उसका एंटीडॉट होता है, ल्यूकोवेरिन याद आ रहा है ना, पॉइजनिंग एंटीडॉट होता है, करेक्ट आंसर आपको डी आ गया, चलिए इजी था इसलिए कंफ्यूज हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब क्वेश्चन इजी आंसर बन गया तो इजी है, अगर वही क्वेश्चन नहीं बना, अरे सर इतना इजी था ना इसलिए कंफ्यूज हो गया, ये अच्छा कमेंट है, बढ़िया आदित्य, ऑब्वियस सी बात है अगर हम यूरिन की बात कर रहे हैं तो यूरिन से ड्रग को एलिमिनेट आउट कराने की ही बात कर रहे हैं, उसको हम बॉडी में रखने के लिए बात नहीं करेंगे, करेक्ट है। चलिए मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ द 5-फ्लोरोयूरेसिल, थोड़ा जल्दी चलते हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल की बात करते हैं, 5-फ्लोरोयूरेसिल का मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, 5-फ्लोरोयूरेसिल दिस इज द एंटी मेटाबोलाइट, यस इन द केस ऑफ द एंटी मेटाबोलाइट दिस इज द पाइरिमिडीन डेरिवेटिव, ऑब्वियसली पाइरिमिडीन क्लास की ड्रग है, क्या करेगी, एनीमिया मोस्ट कॉमन पूछा है, मैंने क्या बोला था जो फॉलिक एसिड पे काम करेगी वहां एनीमिया देखने को मिलेगा, एक मिनट रुक जाओ, कौन है महानुभाव जो 5-फ्लोरोयूरेसिल को ब्रेन तक पहुंचा दिए हैं, ट्रिपल बी क्रॉस करा दिए हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, आप लोगों को मैं एक काम करता हूं ना, मैं आप लोगों को वो दे देता हूं, क्या देता हूं, मेडल देता हूं, मेडल, सुनो बेसिक क्वेश्चन है ना, इजी क्वेश्चन, थोड़ा सुनो,
5 फ्लोरोयूरेसिल कब से ट्रिपल बी क्रॉस होने लगी, और ट्रिपल बी क्रॉस नहीं होगी तो न्यूरोटॉक्सिसिटी कैसे प्रोड्यूस होगी। पहला चीज हैंड एंड फूट सिंड्रोम आएगा, अभी मैंने आपको बात किया था, लेकिन अभी उसकी बात तो है नहीं, छोड़ दीजिए। कार्डियोटॉक्सिसिटी सीधे बोला था, जो मेरे रुबिसिन डेरिवेटिव है वही कार्डियोटॉक्सिसिटी कॉज करेंगे। एनीमिया, एनीमिया बोला फॉलिक एसिड डेरिवेटिव इनहिबिट करेंगे, एनीमिया भी नहीं। बचा क्या, बचा क्या, एलिमिनेशन रूल फॉलो करो ना यार। Live class will start from tomorrow and you will get added before tomorrow class into the WhatsApp group. In the WhatsApp group, you will get all the notification of the all the classes. Okay? So don't worry. Hand and foot syndrome. हाँ होगा बेटा. Hand and foot syndrome होगा. Actually, GI toxicity में अगर mention करूँ ना, अभी बताया था थोड़ी देर पहले क्लास को, थोड़ा सा अगर चाहो ना तो पीछे चले जाना, अभी आपको बताया था डायरिया कॉज करता है. क्या करता है? डायरिया कॉज करता है. मिला जीआई टॉक्सिसिटी, चलिए बढ़िया। स्टॉकिंग एंड ग्लोब न्यूरोपैथी, यहां पे कहां से आ गई स्टॉकिंग एंड ग्लोब न्यूरोपैथी, इसकी तो बात ही यहां मत करना। हैंड एंड फूट सिंड्रोम करेगा, बोन मैरो सप्रेशन करेगा, डायरिया करेगा, नाउजिया करेगा, वोमिटिंग कर, कहां पे है बेटा मुझे जरा बताना, कहीं है क्या? ये केडी त्रिपाठी बुक की लाइन की बात कर रहा हूं बेटा, और कहीं से बात नहीं कर रहा हूं। चलिए, The enzyme which is used as an anti-cancer drug, सबसे ये है सबसे easiest question। Third year वाले गलती से भी मत दिखना, third year वालों बिल्कुल गलती से मत दिखना। rankers batch में join करना है, prime batch में आना वरना मत आना। rankers batch आपके समझ की बाहर है, वो चीज अभी छोड़ देना। फैजान, module में neurotoxicity है बेटा, यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा गया था, मोस्ट कॉमन पूछा गया था। न्यूरोटॉक्सिसिटी नाम मात्र के लिए है, उसको हम काउंट नहीं करते हैं। मैंने क्या बोला, जीआई इरिटेशन सबसे ज्यादा होता है। एक्सक्यूज मी, ओके मिल गया। एल एस्पारजिनेज, यही मेरा एक एंजाइम है, ये एंजाइम नहीं है भाई, किसी में भी एज नहीं लगा है, एज मतलब एंजाइम, इससे इजी क्या होगा, करेक्ट। चलिए, एल एस्पारजिनेज मिला, बढ़िया आगे चले। म्यूकोसिस्टिस, म्यूकोसिस्टिस इज कॉज्ड बाय ऑल एक्सेप्ट, म्यूकोसिस्टिस होता क्या है पैसे प्यारे, मुझे जरा कोई बताएगा क्या जल्दी से? म्यूकोसिस्टिस एक सिंपली बोलू ना, जब कैंसर कीमोथेरेपी किया जाता है ना, तो ओरल ओरल में जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, वो क्या होता है, उसमें ब्रेकडाउन होने लग जाता है, वो मतलब एक सिंपल बोले ना, म्यूकोसल लाइनिंग होने लग जाती है, माउथ में पूरे ट्रॉफी मतलब छाले से, हिंदी भाषा बोलू छाला का भी होता है, वही एग्जाम्पल की बात हो रही है। L. asparaginase obtained, yes, L. asparaginase obtained from the E. coli. Sir, application में test available करा दो sir, काफी test available नहीं है, कौन सा test नहीं available है बेटा? Rankers course में बेटा video download करने का option नहीं है बेटा, आपको इतनी सारी चीजें दी जा रही हैं, अब आप उसके बाद अगर चाहते हो कि 999 में सारी चीजें मिल जाए बेटा, तो उतना तो उसके सर्वर का कॉस्ट आ जाएगा, तो माफ कीजिएगा हमें चला लेने दीजिए, हम आपसे खाली हम्बल रिक्वेस्ट इतना करेंगे, ठीक है। चलिए चलो चलो जल्दी कंफर्म करो, देखो अब सिंपल यार, अगर मैंने आपसे क्या बोला है, आईटिस मतलब इंफ्लामेशन एंड म्यूकस, म्यूकस में इंफ्लामेशन होता है, म्यूकस में इंफ्लामेशन होता है, उसके लिए यहां पे हम बात करते हैं। 5 फ्लोरोयूरेसिल, मेथोट्रेक्सेट, सिस्प्लैटिन एंड एडोपोसाइट की बात करते हैं। हां जी, यहां पे मैं बात करता हूं तो मेरी सारी ड्रग यूज होंगी, मेरी सारी ड्रग यूज होंगी, लेकिन इसके बारे में मैंने आपसे क्या बोला था, ये ड्रग ऐसी है जो वोमिटिंग कॉज करती है, क्योंकि प्लैटिनम डेरिवेटिव है, वोमिटिंग कॉज करती है, वोमिटिंग कॉज करेगी, बट नॉट करेक्ट, सिस्प्लैटिन की बात हो गई। आगे चलें, बहुत बढ़िया, इटोपोसाइट कॉज करेगी, मिथोट्रेक्सेट कॉज करेगी, 5 फ्लोरोयूरेसिल कॉज करेगी, एक्टिनोमाइसिन, डाउनोरोबिसिन, डॉक्सोरोबिसिन, ब्लियोमाइसिन, ये सब करेंगी, बट मैंने आपसे बोला क्या, सिंपल वो नहीं होगा। रैंकर्स बैच में ज्वाइन होने के लिए बेटा सिंपल जेडीसी क्लासेस ऐप डाउनलोड करो, और डायरेक्टली वहां से आप जाके रैंकर्स बैच में ज्वाइन हो सकते हो। ज्वाइन करना है तो टाइम मत वेस्ट करना, और नहीं ज्वाइन करना है तो उसके लिए परेशान भी मत होना। ट्रू अबाउट एजाथियोपिन,
क्या है एजाथियोप्रिन? इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग है, एंटी कैंसर क्लास की ड्रग है, एंटी मेटाबोलाइट प्यूरीन डेरिवेटिव की ड्रग है। इट हैज मोर एंटी ट्यूमर इफेक्ट देन इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट। इट इज नॉट अ प्रोड्रग, बहुत गलत बात है ये तो। इट इज सेलेक्टिवली इफेक्ट ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स, ओके। इट इज पाइरिमिडीन एंटी मेटाबोलाइट, बहुत बढ़िया। एजाथियोप्रिन पाइरिमिडीन, बढ़िया। प्रोड्रग एकदम सही है, ट्रू। एक मिनट, सॉरी, पाइरिमिडीन कहां से सही हो गया भाई? ये प्यूरीन डेरिवेटिव है। प्रोड्रग नहीं, ये प्रोड्रग नॉट लिखा है, ये प्रोड्रग है, ये प्रोड्रग है, ठीक है। इट हैज मोर एंटी ट्यूमर इफेक्ट देन इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट। नहीं भैया, इससे पहले आती है क्या इम्यूनोसप्रेसेंट, उसके बाद आती है क्या एंटी ट्यूमर? पहले आता है इम्यूनोसप्रेसेंट, उसके बाद आता है एंटी ट्यूमर। गलत हो गया। अब बात करते हैं, इट सेलेक्टिवली अफेक्ट ऑन डिफरेंशिएशन ऑफ टी सेल्स। हां जी, इम्यूनोसप्रेसेंट प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करने के लिए टी सेल्स का डिफरेंशिएशन इनहिबिट करती है, तो आंसर हुआ ये। आपसे ट्रू पूछा था तो ट्रू में केवल क्या मिला? सी। ध्यान से सुनो, फिर से इसके बाद रिकॉल करता हूं। इसमें मैक्सिमम क्या होती है? इम्यूनोसप्रेसेंट इफेक्ट होती है। ये मेरा सेकेंडरी आता है, इसमें लेस होता है। यहां मोर लिखा है, गलत हो गया। Not a prodrug, नहीं भाई ये prodrug है, तो ये भी गलत हो गया। ये मैंने आपसे बोला कि हाँ जी टी सेल्स के डिफरेंशिएशन को इनहिबिट करता है, एंड इट इज पाइरिमिडीन। क्या सच में ये पाइरिमिडीन डेरिवेटिव है? नहीं भैया, प्यूरीन डेरिवेटिव है। शौकिब शोएब रजा, आपका कमेंट मैंने देख लिया है बेटा, जल्दी ही आपको क्रैश कोर्स सॉरी वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिल जाएंगे, परेशान मत होइए। करेक्ट है, हाँ जी, ये मेरा आंसर क्या हुआ? सी इज द करेक्ट आंसर, जो मुझे चाहिए था, मुझे करेक्ट सुनना था, नॉट करेक्ट नहीं, ठीक है। एजाथियोप्रिन सारी चीजें आप इसके बारे में एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मना नहीं करूंगा, ओके चलो, बट मैं अभी वहां पे टाइम नहीं दे पाऊंगा। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर आर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जल्दी से कंफर्म करिएगा, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर किसके लिए मेरी यूज होती है? एक लाइन का आंसर चाहिए मुझे आपसे। टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, इमेटिनिब याद आ रही है क्या कुछ? टिनिब, टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, टिनिब क्लास की याद आ रही होगी। लेस होता तो ए आता, करेक्ट है बेटा, एक्सक्यूजेस तो बनेंगे। ब्रिजेश, संडे से आपकी क्रैश कोर्स कंटिन्यू हो जाएगा, जो बचा सिलेबस है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, हां जी, रिसेप्टर मीडिएटेड न्यूरो इंडोक्राइन ट्यूमर, रिसेप्टर मीडिएटेड भैया एंजाइम मीडिएटेड है, रिसेप्टर मीडिएटेड नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर, क्या बताया था ब्रेस्ट कैंसर में कौन सी ड्रग यूज होती है? ब्रेस्ट कैंसर में ये मेरा फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट कब से हो गया? रीनल सेल कार्सिनोमा, नहीं भाई नहीं होगा। एक मिनट, ब्रेस्ट कैंसर के लिए क्या किसी को टैमोक्सीफेन याद आ रहा है क्या? क्या किसी को टैमोक्सीफेन याद आ रहा है क्या? चलिए, वेरी गुड। कौन है ब्रेस्ट कैंसर वाला? क्या मिला? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर, जी हां, जीआईटी के ट्यूमर में मेरी टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर यूज होते हैं, ओके। यहां पे जीआईटी की बात करना, जीआई ट्यूमर में यूज होता है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। गलती मिली, करेक्ट, हां जी। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ब्रेस्ट कैंसर, अभी बोला टैमोक्सीफेन की बात किया बेटा, करेक्ट, जीआईएसटी, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल स्ट्रोमल ट्यूमर जिस्ट बोलते हैं जिसको, देन स्टोमक, देन फॉलोड बाय इंटेस्टाइन में काम करती है, और इसके लिए पूरी किट आती है जो मेरे यहां पे काम करती है। डिटेल में ना जाना, अभी काम पे चलना। सर आपने हम लोगों की चैट बंद कर दी है, कैसे ही योगेन? कौन बोला मैंने आपके कमेंट बंद कर दिया है? क्या आपको नहीं दिख रहा है? चलिए, साइटोटॉक्सिक ड्रग हैविंग हाई इमिटोजेनिक पोटेंशियल, इमिटोजेनिक वोमिटिंग कॉज कराने वाली, क्या याद करना है? प्लेटिनम डेरिवेटिव, सॉरी हां जी, प्लेटिनम डेरिवेटिव, कार्बोप्लेटिन सिसप्लेटिन, कहीं दिख रहा हो लगा दो, कहीं भी दिखे लगा दो। इमेटिनिब यूज्ड फॉर द क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया, करेक्ट है।
ये कौन आया ऑंडेंसेट्रॉन। अरे ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, ट्रीटमेंट नहीं पूछा है, कॉज पूछा है रोमिता। सर मेरे पास पैसे नहीं है, 2 लाख में से कट कर लेना बेटा, जीपैट में फर्स्ट रैंक लेके आना, मैं रैंकर्स फ्री में दे दूंगा, खुश लेके आओ फर्स्ट रैंक। चलिए बात समझ में आई, कॉज पूछा था तो सिस्प्लैटिन कार्बोप्लैटिन ही याद रखना है, बाकियों पे जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। बस हो गया सिस्प्लैटिन कार्बोप्लैटिन, ये मेरा क्या करता है, हाईली सिस्प्लैटिन में होता है, इमिटोजेनिक पोटेंशियल, मस्टिन, साइक्लोफोसामाइड, एक्ट्रोमाइसिन, डीकार्बाजिन, ये सारी ड्रग यहां पे आती है, करेक्ट है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ड्रग रेजिम फॉर द हॉटकिंस डिजीज। क्या कॉम्बिनेशन पढ़ाया था बेटा, क्या कॉम्बिनेशन याद कराया था, वो कॉम्बिनेशन कोई मुझे बताएगा क्या? सर थर्ड ईयर में जीडीसी में कौन से कोर्स हेल्पफुल रहेगा जीपैट के लिए? प्राइम जीपैट 2023 थर्ड ईयर वालों के लिए ऑंडेंसेट्रॉन के साथ देते हैं 5-HT3 एंटागोनिस्ट। चलिए नमस्ते, चलो आ जाओ। ओके क्या मिल रहा है, क्या सच में याद है एक भी बार का ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कराया होगा क्लास में, एबीवीडी याद है कि नहीं, क्या याद कराया था एबीवीडी आप लोगों को? मैंने ये कराया होगा, एबीवीडी पढ़ाया होगा, वेमब्लास्टिन, डिकार्बोजिन, डॉक्सो, ब्लियो। सुन लो मेरी बात, क्या बोला मैंने आपसे, यहां पे मैं सिंपल बात कर रहा हूं, हॉटकिंस डिजीज की बात कर रहे हैं। हॉटकिंस डिजीज में मुझे याद रखना है ए बी वी डी, क्या याद कराना है, ए बी वी डी, और दूसरा मैंने आप सब लोगों को क्या पढ़ाया था, वी ए एम पी, क्या बताया था, वी ए एम पी की बात किया था। ये है फॉलोइंग करेक्ट ड्रग पूछा गया है, आप याद रखना वहां पे सबसे पहले आपका आता है कौन सा, एडिरामाइसिन, क्या आता है, एडिरामाइसिन की बात होती है, एडिरामाइसिन के बाद हमारी आती है ब्लियोमाइसिन, देन हमारी आती है कौन सी, विनब्लास्टिन, देन हमारी आती है डीकार्बाजिन, ए बी वी डी की बात है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया, डॉक्सोरुबिसिन, ब्लियोमाइसिन, विनब्लास्टिन एंड डीकार्बाजिन की बात करेंगे, करेक्ट। VAMP हमने पढ़ा होगा, विनक्रिस्टिन, विनक्रिस्टिन, एम्फियोपिन, मेथोट्रेक्सेट हमारी आती है, प्रेडनिसोलोन आती है, साइक्लोफॉस्फामाइड आती है, ठीक है। नॉन हॉटकिंग्स में CHOP, नॉन हॉटकिंग्स में CHOP नहीं COAP, कोप, क्या याद कराया था, कोप की बात है। जैसे देखो जल्दी से, चलो यहां पे मैं आपसे डिफरेंट कंडीशंस के लिए बात कर रहा हूं, हॉटकिंग्स डिजीज में, हॉटकिंग्स डिजीज में आपको क्या याद रखना है, एबीवीडी, जैसे मैंने आपसे बोला एक्यूट ल्यूकीमिया में VAMP, नेक्स्ट मैंने आपसे बात किया कॉलन कैंसर, नॉन हॉटकिंग्स, हॉटकिंग्स मैंने आपको कहीं, हाँ नॉन हॉटकिंग्स की बात करूंगा, नॉन हॉटकिंग्स की बात, चॉप आर आता है, नॉन हॉटकिंग्स में चॉप आर आता है, क्या आता है, चॉप आर आता है, इंडिविजुअल नहीं है बेटा, यहां कंटेंट की बात है, यहां कॉम्बिनेशन की बात है, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, चूज द एप्रोप्रिएट ड्रग फ्रॉम ए टू ई फॉर द फॉलोइंग कैटेगरी, एल्काइलेटिंग एजेंट कौन सी दिख रही है, थियोटेपा दिख रही है, 1-4-D लगा दो, ठीक है, नाइट्रोसो यूरिया, अच्छा एल्काइलेटिंग एजेंट नाइट्रोसो यूरिया, ठीक है, नाइट्रोसो यूरिया की बात करते हैं, क्या कार्मस्टिन, लोमस्टिन, क्या दिखी, 2-4-A लगा दो, A-4-D 2-4-A, टैक्सीन डेरिवेटिव क्या दिखेगा, पैक्लिटैक्सल, डोसीटैक्सल, 3-4-E, एंटी मेटाबोलाइट कौन सी दिख रही है, एजाथियोप्रिन दिख रही है, 4-4-B, आंसर क्या हुआ, ए, क्या आंसर दिख रहा है, ए। सर व्हाई डू वी प्रेफर ऑंडेंसेट्रॉन ओवर डोमपेरिडॉन व्हाइल यूजिंग सिस्प्लैटिन, बिकॉज ऑंडेंसेट्रॉन ग्रैनीसेट्रॉन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग, कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है, करेक्ट जी।
यहां पे आपको क्लियर मिल गया होगा, आंसर आपको ए दिख गया होगा, मिला सभी को। चलिए क्लासिफिकेशन पूरे ट्रिक के साथ याद कराया था, क्या कुछ याद है? आउटी कैम नीट एन, नीट एन दूसरा क्या याद कराया था? सीएमआई सीएम, क्या ये मेरी बातें आपको याद आ रही होंगी? चलिए नेक्स्ट आ जाओ, द साइटोटॉक्सिक एक्टिविटी ऑफ जेमसिटाबिन, जेमसिटाबिन किसकी वजह से होती, जेमसिटाबिन की एक्टिविटी किसकी वजह से होती है और कैसे काम करती है, ध्यान से सुनो। चलिए आइए बात करते हैं, FDCTP compete with the DCTP as a weak inhibitor of DNA polymerase, हाँ जी ठीक जा रहा है। FDCTP is a potent inhibitor of the ribonucleotide reductase, obviously fluoro cytosine DNA leads to the DNA strand termination, ये भी सही जा रहा है। आंसर यहाँ पे तीनों आएगा, आंसर यहाँ पे तीनों आएगा, ए उठा आएगा। लाइट कलर हो रहा है ना बेटा, हाँ मैं समझ रहा हूँ इस चीज को, कोई बात नहीं इसको मैं सही करता हूं। डाई फ्लोरो डी ऑक्सी साइटिडिन ट्राई फॉस्फेट और डाई फ्लोरो डी ऑक्सीजन साइटोसिन डाई फॉस्फेट। जो DFDCTP होता है वो क्या करता है, CTP से कंपीट करता है, जिसकी वजह से DNA पे मेरा FDCTP जो मेरा जेमसिटाबिन का होता है उसको इनहिबिट कर देता है। FDCTP ये क्या होता है, पोटेंट इनहिबिटर होता है राइबोन्यूक्लियोटाइड रिडक्टेज का। अब इसका मतलब क्या हुआ, ये जो बना है ये क्या करेगा, इसको इनहिबिट कर देगा, ये इनहिबिट हो गया तो क्या हुआ, DNA में प्रॉपर इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा, इसलिए यहां पे ये पॉइंट देखने को मिलता है। ये अलग पॉइंट है, इसको एक बार आप डीप में मैकेनिज्म के साथ थोड़ा सा याद करने की कोशिश करना, ये मैकेनिज्म स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तीनों आपको काम आने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर द प्रोजेस्टिन क्लास ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एक्सेप्ट, चलिए आइए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, फॉलोइंग आर द प्रोजेस्टिन क्लास ऑफ एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट एक्सेप्ट, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है। प्रोजेस्टिन डेरिवेटिव हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टोन, मेड्रोक्सी प्रोजेस्टोन एंड मेगेस्ट्रोल एसिटेट सारे हैं, टेमोक्सीफेन नहीं है क्योंकि टेमोक्सीफेन मेरी अलग क्लास होती है। कौन सी क्लास की होती है बेटा, टेमोक्सीफेन मेरी SERD सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर डाउन रेगुलेटर होती है, SERD क्लास की ड्रग होती है टेमोक्सीफेन, बाकी सब मेरे प्रोजेस्टिन क्लास की ड्रग है। एक्सेप्ट पूछा गया उसी को लगा दो बेटा, आगे चल दो, तो मेरा आंसर सिंपल हो गया, SERM क्लास की होगी, सिलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर या डाउन रेगुलेटर SERM में मेरी ये काम करती है। हटा दीजिए, नेक्स्ट आइए। चलिए थोड़ा सा जल्दी चलते हैं, आप लोगों का इंटरेस्ट बरकरार रहे और मैं भी अपनी क्लास कर सकूं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये क्वेश्चन मेरा देखिए क्या कह रहा है, फॉलोइंग आर नेचुरल प्रोडक्ट यूजफुल अगेंस्ट द नियोप्लास्टिक डिजीज एक्सेप्ट, नियोप्लास्टिक में नेचुरल प्रोडक्ट, विंका बिल्कुल है, टैक्सेन है, एपिपोडोफाइलोटॉक्सिन है, नाइट्रोजन मस्टर्ड नहीं है क्योंकि नाइट्रोजन मस्टर्ड मेरा क्या है, नाइट्रोजन मस्टर्ड इज एल्काइलेटिंग एजेंट जो मेरा नेचुरल नहीं होता है, हटाइए बात कर दीजिए। SERM फुलवेस्टेंट होता है, ये डाउन रेगुलेटर होता है, SERD होता है, अरे बेटा SERD फुलवेस्टेंट होता है, ये मेरा सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर होता है, टेमोक्सीफेन की बात करता हूं, ठीक है प्लीज इसको मेंशन करिएगा। हाँ बेटा ठीक है मैं समझ गया, चलिए हो गया, विंका इपिपोडो टैक्सिन तीनों क्लास की बात हुई, नेक्स्ट आ जाओ। चलो बेटा, सेल अपीयर टू बी मोर सेंसिटिव टू साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट इन, सर क्लास में थोड़ी देर में, सर क्लास में हूं थोड़ी देर बाद। चलिए ओके रुकिए, ब्राइटनेस थोड़ा सा मैं डिक्रीज करता हूं, चलिए ओके 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 आइए। सिंपल, मेरी किस कौन सी ड्रग, सेल अपीयर टू बी मोर सेंसिटिव टू साइटोटॉक्सिक एक्शन ऑफ एल्काइलेटिंग एजेंट इन,
किस फेज में सबसे ज्यादा मेरी ड्रग काम करती है, लेट जीवन और एस जी टू एम अर्ली जीवन। भैया सबसे ज्यादा ड्रग किस फेज में काम करती है? मैक्सिमम ड्रग मेरी तभी काम करती है जब ड्रग मेरा किस में होता है, डीएनए डिवीजन में होता है। डीएनए डिवीजन यानी सिंथेटिक, सिंथेटिक फेज यानी मैं सिंपल बात करता हूं, जहां पे एस फेज की बात करता हूं। तो जीवन और एस के बीच में जब जीवन से एस में जा रही होती है मेरी सबसे ज्यादा ड्रग वहीं पे काम करती है और वहीं पे मेरी साइटोटॉक्सिक ड्रग सबसे ज्यादा सेंसिटिव होती है। तो राइट आंसर क्या आया? ए। यहाँ पे राइट आंसर क्या आया? ए, दैट इज द लेट जीवन टू एस में काम करेगा। इस चीज को जरूर याद रखना क्योंकि मैक्सिमम मेरे जो एल्काइलेटिंग एजेंट होते हैं ना वो मैक्सिमम वहीं पे इनहिबिट करते हैं जहां से डीएनए बनने वाला होता है। डीएनए पे काम करता तो एस होता, डीएनए पे तो काम कर नहीं रहा है, जीवन से एस के बीच में वहां पे मेरा ये काम करने वाला है। चलिए नेक्स्ट आ जाइए। ऑल आर ट्रू अबाउट द रिटुक्सिमैब। रिटुक्सिमैब के बारे में सारे पॉइंट सही है, कौन सा पॉइंट नहीं सही है ये ध्यान से सुनिएगा। काइमेरिक एंटी CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, हाँ रिटुक्सिमैब CD20 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, इन्फ्यूजन रिएक्शन में यूज होता है। मायोसप्रेशन एंड एलोपेसिया, माफ कीजिएगा नहीं नहीं बेटा, रिटुक्सिमैब मायोसप्रेशन एंड एलोपेसिया में मेरा कहां से आ गया? डोज इंडिपेंडेंट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर होते हैं, बिल्कुल आपकी बात सही है। अगर बात करता हूं इंडिपेंडेंट होता है, इन्फ्यूजन रिएक्शन में यूज होता है, दिस इज नॉन मायोसप्रेशन तो छोड़ ही दो, दिस इज नॉन क्या बोलते हैं नियोप्लास्टिक, कैंसर पे ही काम नहीं करती है, कैंसर पे ही ये काम नहीं करती है। मायोसप्रेशन एंड एलोपेसिया की बात करेंगे, सब कुछ सही है लेकिन ये पॉइंट यहाँ पे गलत है क्योंकि ये मेरी क्या है, नॉन नियोप्लास्टिक, यूजेस एज द ऑटो हीमोलिटिक एनीमिया में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज होती है। इस चीज को एक बार जरूर याद रखेंगे, ठीक है, प्लीज इसको मेंशन करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग शुड नॉट बी एडमिनिस्टर्ड टू अ क्रॉनिक alcoholic patient, not anti-neoplastic drug, not administered to a chronic alcoholic patient due to risk of the development of disulfiram-like reaction. अरे भाई साहब क्या याद कराया था? CGMP याद है? क्या याद कराया था? CGMP याद कराया था कुछ? जल्दी कंफर्म करो, अगर CGMP याद होगा तो आंसर भी निकाल दिए होगे, disulfiram-like reaction। C की बात करता हूं जहां पे मैंने आप लोगों को बताया था डिफरेंट मेरे सिफेलोस्पोरिन डेरिवेटिव होते हैं, क्लोरप्रोपामाइड होते हैं, सिफोपेराजोन, सिफोमेंडोल एंड सिफोटिटैन, क्लोरप्रोपामाइड, टॉलब्यूटामाइड, क्लोरप्रोपामाइड, हां जी क्लोरप्रोपामाइड, सिफोटिटैन, सिफोमेंडोल, सिफोपेराजोन, ये आ गई। जी से मैंने आपको बोला था ग्रिशियोफुलविन की बात किया था, एम से बात करूंगा मेट्रोनिडाजोल की बात करूंगा, और पी से बात करूंगा तो मेरी कौन सी आती है, क्या याद आती है? पी से मेरी याद आती है प्रोकार्बाजिन, सॉरी प्लूटोकांटगोमास, उससे भी याद रखो, सीजीएमपी से याद रखो, कहीं से तो याद रखो, बस याद रखो। तो ये आंसर क्या हुआ यहां पे? मुझे बताने की जरूरत है क्या प्रोकार्बाजिन? नहीं ना, डायरेक्ट मिल गया होगा, एक लाइन का आंसर है प्रोकार्बाजिन यहां पे। क्लोरप्रोपामाइड, सिफोपेराजोन, सीजीएमपी की बात करता हूं, सॉरी प्लूटोकांटगोमास की बात करता हूं, ये सारी चीजें आपको पहले बता चुका हूं बेटा, बार बार वही आती है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। मेथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू, मेथोट्रेक्सेट रेजिस्टेंस इज ड्यू टू डिप्लीशन ऑफ द फोलेट, ओवर प्रोडक्शन ऑफ DHFRAs, ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायमिडिलेट काइनेज, डिक्रीज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज। भाई अगर डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनहिबिट हो गया, डिक्रीज हो गया, तो ऑब्वियसली बात है मेरे लिए तो अच्छी चीज है ना। प्रॉब्लम कब होगा? जब मेरा डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज ओवर प्रोड्यूस हो जाएगा, तब मेरा वहां पे मेथोट्रेक्सेट काम नहीं कर पाएगा, तो रेजिस्टेंस नहीं हो पाएगा। यानी सिंपल क्या बात करूं, सिंपल यहां पे बात करता हूं क्या, ओवर प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, क्योंकि मेथोट्रेक्सेट काम तो डाइहाइड्रोफोलेट पे ही काम करेगी ना, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज पे ही काम करेगी। डिक्रीज हो गई तो अच्छी बात है, प्रॉब्लम कब आएगी कि जब इसका ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा तो हमारी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज काम कहां कर पाएगी, सो इंक्रीज होगा, यस ओवर प्रोडक्शन ऑफ डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, वहीं पे मेरी क्या होगी, ये पॉइंट आ जाएगा जहां पे हम बोलेंगे मेथोट्रेक्सेट का रेजिस्टेंस आएगा। एक लाइन में समझने की जरूरत है बेटा, कुछ नहीं क्वेश्चन होते हैं, बस हमें समझने पे पॉइंट सबसे बड़ा होता है। बाइंड विद द CD20 बेसल से बाइंड होगा, करेक्ट है, डिक्रीज बाइंडिंग और डिक्रीज इंट्रासेलुलर कंसेंट्रेशन और इंक्रीज डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज एक्टिविटी इंक्रीज होने पे, ओवर प्रोडक्शन होने पे। चलो थैलिडोमाइड कैन बी यूज्ड इन ऑल ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस एक्सेप्ट,
बहुत बढ़िया। बेचेट सिंड्रोम, एचआईवी एसोसिएटेड पेरीफेरल, एचआईवी एसोसिएटेड पेरीफेरल न्यूरोपैथी, एचआईवी एसोसिएटेड माउथ अल्सर, एरिदमा, नोडोसम, लेप्रोसम। बहुत बढ़िया। कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, सो इफ डाइहाइड्रोफोलेट मोर देन नो इफेक्ट, करेक्ट। चलो 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 चलो, पेरीफेरल न्यूरोपैथी, बेचेट सिंड्रोम, चलिए क्या समझ में आ रहा है? नहीं 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 नहीं, हाँ जी बढ़िया, वेरी गुड बेटा, कुछ बच्चों का अच्छा आंसर आया। देखो आप बात किसकी बारे में कर रहे हो, ध्यान से सुनो, थैलिडोमाइड, हाँ जी ये वही थैलिडोमाइड एंटी कैंसर ड्रग है जिसने एलोपेसिया, जिन्हें फोकोमिलिया कॉज किया था, एकदम करेक्ट है। बेचेट सिंड्रोम में काम नहीं करती है, सिंपल आपसे बात करती है, कैन बी यूज इन ऑल एक्सेप्ट की बात करते, सॉरी बेचेट सिंड्रोम में यूज होगा, एच आई वी एसोसिएटेड पेरीफेरल न्यूरोपैथी, नहीं पेरिफेरल न्यूरोपैथी में कहां से आ गया भाई? भाई एक चीज बताओ, ये वर्ड देखने के बाद आपको क्या समझ में आया, इसमें आप क्या यूज करोगे बोलो जरा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहीं भी आएगा, मैंने आपको शायद याद हो तो आपको लोगों को मैंने एक चीज याद कराया था, कुछ ये याद कराया था, न्यूरोपैथी में यूज होने वाली चीज एक ही है, क्या? विटामिन बी सिक्स पाइरिडॉक्सिन। क्या याद है मेरी बात? थोड़ा बहुत भी याद आ रहा है? HIV associated mouth ulcer में यूज होगा, एरिदमा, नोडोसम, लेप्रोसम में यूज होगा। आपसे पूछा गया सब में यूज करेंगे, किस में नहीं यूज करेंगे? भाई आंसर सिंपल है यार, देखो कितना इजी क्वेश्चन है, लेकिन खाली थोड़ा सा उसने वर्ड को घुमा दिया है, हम घूम गए हैं, हमसे पूछना क्या चाह रहा था और हम घूम कहां गए, हमें पेरीफेरल न्यूरोपैथी में हम कैसे थैलिडोमाइड यूज करेंगे यार, हम इसको सारी चीजों में यूज करेंगे, बट पेरीफेरल न्यूरोपैथी तो इसका एक एडवर्स इफेक्ट होता है, तभी तो हम विटामिन बी सिक्स देते हैं, बोलो जरा। हाँ जो भी ड्रग ये भी कॉज करती है, थैलिडोमाइड भी मेरी पेरिफेरल न्यूरोपैथी कॉज करती है, इसीलिए मैं उसको विटामिन बी सिक्स के साथ देता हूं। क्या याद आया? सिर्फ आइसोनियाजिड नहीं बेटा, यहां भी करेक्ट। अ वाइडली यूज ड्रग दैट सप्रेस सेलुलर इम्यूनिटी, इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइन सिंथेसिस एंड इंक्रीज द कैटाबॉलिज्म ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए प्लीज बच्चों मैं आप लोगों से जरूर इसको सुनना चाहूंगा। नहीं बेटा महीप आपके लिए रैंकर्स बैच नहीं है, एक बार सुन लो यार, थर्ड ईयर वालों के लिए नहीं है, ज्वाइन करोगे मुझे कोई दिक्कत नहीं, नुकसान अपना करोगे, कुछ नहीं समझ में आना है आपको, थर्ड ईयर वालों को बात करूंगा तो ठीक है। चले ये क्वेश्चन आपके लिए अग्नि परीक्षा है, ध्यान से सुनना, जिसने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया मतलब है वो जीपैट की तरफ है, जो नहीं दिया वो थोड़ा सा अपने लिए सोचे जरूर, सोचना जरूर, सबने गलत दिया है, मैप पकड़ा है ना, बहुत बढ़िया। सालिनी, मेरे जितने अच्छे बच्चे मैं इनको सोचता हूं ना, आकाश, भावना, रोमिता, और कोई बच्चा है, रोहन, सब बच्चे जितने भी देख रहा हूं ना, गुड वेरी गुड। चंद्रजीत बहुत बढ़िया, स्नेहल, धनंजय, सबको एक बार मैं गलत करूं, सबने गलत आंसर दिया है, सबने गलत आंसर दिया, क्यों निरंजन? अच्छा जरा रुको, सुनो जरा ये लाइन पढ़ो, पूरा हटा दूं, पूरा हटा देता हूं, जो लाइन बोलूं सिर्फ उतना पढ़ना, जितना मैंने रेड लाइन किया है सिर्फ इतना पढ़ो बस। क्या दिखा, क्या दिखा? क्वेश्चन पढ़ा था ना आप लोगों ने, कुछ बोलूं? अरे प्रोस्टाग्लैंडिन और ल्यूकोट्राइन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर रहे हो, एक ही आएगी, फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर, और फास्फोलाइपेज A2 इनहिबिटर कॉर्टिकोस्टेरॉइड होती है, एक ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड मुझे यहां पूरे क्लास में दिख रही है,
बाकी सब छोड़ दो, बाकी सब छोड़ दो। क्या दिखा कि नहीं दिखा? अच्छा बी नहीं होगा। अच्छा क्यों नहीं होगा बेटा? बाकी चीजें छोड़ो पहले। अब आओ सेलुलर इम्यूनिटी पे। क्या मेरी इम्यूनो सप्रेसेंट नहीं होती है कॉर्टिकोस्टेरॉइड? होती है बेटा, क्लासिफिकेशन उठा के देखना, बिल्कुल होती है। नेक्स्ट आ जाओ, कैटाबोलिज्म ऑफ आईजीजी एंटीबॉडी। ऑब्वियस सी बात है, अभी मैंने आपसे बोला था क्या, सेलुलर इम्यूनिटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात हो रही है? ये मेरी इम्यूनिटी पे काम करती है, सप्रेस करती है सेलुलर इम्यूनिटी, आईजीजी को कैटाबोलाइज करती है। क्या मेरी बात समझ में आई? अभी भी गलती है? बहुत बढ़िया, चलिए वेरी गुड, आगे चलो, टाइम अच्छा आप लोग ले रहे हो आज। द इम्यूनो सप्रेशेंट एक्शन ऑफ द साइक्लोस्पोरिन। साइक्लोस्पोरिन का इम्यूनो सप्रेशेंट एक्शन कैसे देखने को मिलता है बच्चों? Tomorrow is the last date, beta. Writer's rest के लिए. Immunosuppressant action of the cyclosporine appears to be. बहुत बढ़िया. Activation of NK cell? नहीं भैया. Blockade of the tissue response to inflammatory? नहीं. Simple बोलू. एक चीज होता है. अगर मैं बात किसके बारे में कर रहा हूँ? Cyclosporine. अभी थोड़ी देर पहले आपको याद कराया था. Interleukin अगर याद आ रहा हो तो. इंटरल्यूकिन पे काम करती है, और मेनली अगर आगे चल के बात करूंगा तो ये मेरी किस पे काम करने वाली है? मेनली ये मेरी किस पे काम करती है? जो मेरी टी लिम्फोसाइट्स होती है, टी लिम्फोसाइट्स के एक्टिवेशन पे काम करती है। तो सिंपल इनहिबिशन ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द इंटरल्यूकिन, डायरेक्ट पकड़ने की जरूरत है, कुछ नहीं है। इन पर्टिकुलर द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ साइक्लोस्पोरिन इनहिबिट द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ इंटरल्यूकिन 2 की बात करूंगा। इम्यूनो मॉड्यूलेटरी होती है, इनहिबिट करती है कैल्सिन्यूरिन। मेजर इसका एक्शन होता है कैल्सिन्यूरिन इनहिबिट। कैल्सिन्यूरिन इनहिबिशन कैसे करती है? इंटरल्यूकिन को इनहिबिट करके काम करती है। करेक्ट है, कैल्सिन्यूरिन इनहिबिटर साइक्लोस्पोरिन। थोड़ा याद करना, decrease T cells activation. Which of the following drug is used as an immunosuppressant but lacks anti-cancer activity? फिर वही कहानी है, थोड़ा सा घुमाया गया है। lack ना बोल के अगर मैं इसको थोड़ा सा but लेस बोलूं, लैक बोलने में मजा नहीं आएगा, लेस। चलो टैक्रोलिमस भी होगा ना सर? बिल्कुल होगा, टैक्रोलिमस भी आएगी इसी में। चलो अब बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड एज एन इम्यूनोसप्रेशेंट बट लेस एंटी कैंसर एक्टिविटी? अब तो बता देना बेटा, अभी बताया था शुरू में अगर याद हो तो, लेस और मोर वाला कॉम्बिनेशन जहां था। मिल गया आंसर, बढ़िया। Azathioprine, this is the immunosuppressant mainly, then anti-cancer. Major क्या है? Immunosuppressant action होता है। एजा में less है, correct है। यही चीज आपसे अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, वही आंसर यहां पे आया। कंफर्म हो? अब तो कंफर्म ही रहना यार, बार बार इसको याद कराने की कोशिश इसीलिए कर रहा हूं। चलिए, all of the following drug are used in the immunosuppressant except immunosuppressant में सब यूज हो रही है, कौन सी नहीं यूज होती है? Come on. सब इम्यूनोसप्रेशेंट है, कौन सी नहीं है? ध्यान से सुनो, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, साइक्लोस्पोरिन, एजाथियोप्रिन। सेफेलोस्पोरिन है क्या? है क्या सेफेलोस्पोरिन? पढ़ाया क्या आप लोगों ने कहीं? मैंने नहीं पढ़ाया बेटा, और ना पढ़ाया है। जिसने साइक्लोस्पोरिन दिया बढ़िया, और जिसने सेफेलोस्पोरिन दिया वो और भी बढ़िया। आंसर क्या होगा? हाँ जी, सेफेलोस्पोरिन, दिस इज नॉट इम्यूनोसप्रेशेंट। आपको एक्सेप्ट ही देना था, एक्सेप्ट में क्या मिला? सेफेलोस्पोरिन। वाह, बी होगा, कहां से बी होगा, कहां से बी होगा? नॉट सिर्फ पूछ रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंटीबायोटिक हो गया, साइक्लोस्पोरिन, टैक्रोलिमस, सिरोलिमस, एजाथियोप्रिन, साइक्लोफॉस्फामाइड, मेथोट्रेक्सेट, प्रेडनिसोलोन, ये सारी मेरी ड्रग आती है। इम्यूनोसप्रेशन का डायरेक्ट क्लासिफिकेशन तो याद रखो यार। चलिए देखो, ये हैंड एंड फूट सिंड्रोम इज एन एडवर्स इफेक्ट। शुरुआती क्वेश्चन, एडवर्स इफेक्ट से ही शुरुआत किया था।
हैंड एंड फूट सिंड्रोम किसका इफेक्ट होता है? अभी आप बोलोगे सर यहाँ तो दो दिख रहे हैं, नहीं दिख रहा है, एक ही दिख रहा है। ब्लियोमाइसिन में आपसे बोला था क्या, ब्लियोमाइसिन का क्या होता है, सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। क्या होता है? सिस्टिक फाइब्रोसिस होता है। इटोपोसाइड एक्टिनोमाइसिन डी की बात करिएगा, इटोपोसाइड में आप लोगों को मैंने सिंपल पढ़ाया था, यहाँ पे अगर आप बात करोगे कैपेसिटाबिन कैपेसिटाबिन साइटाराबिन कैपेसिटाबिन साइटाराबिन की बात करूंगा, डॉक्सोरुबिसिन में भी थोड़ा बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा यहाँ पे कौन सा आएगा, कौन सा आएगा? अब तो आग लगाओ यार, पेपर में ना सही, अपने दिल में तो लगाओ, अपने आग में तो, जुनून में तो थोड़ा सा आंच दो। फाइव फ्लोरो यूरेसिल, कौन बोला साइटोसिन, कौन बोला फाइव फ्लोरो साइटोसिन? यूरेसिल और साइटोसिन अलग अलग है बेटा, साइटोसिन पकड़ोगे ना सीधे फंगल में जाके गिरोगे, यूरेसिल पकड़ोगे ना कैंसर में गिरोगे। ध्यान से सुनना कहां पे जाना है। हैंड एंड फूट सिंड्रोम, ये है हैंड एंड फूट सिंड्रोम की पिक्चर। सिंपल क्या होता है, पेनफुल एरिथमा का फॉर्मेशन होता है, स्वेलिंग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट वन क्या कह रहा है, साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस आर इक्वली पोटेंट ड्यू टू सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ओके ठीक है, आगे बात करो। साइक्लोस्पोरिन एंड टैक्रोलिमस बाइंड टू सेम इम्यूनोफिलिन प्रोटीन, दैट इज द साइक्लोफिलिन। ओके, टैक्रोलिमस इज मोर लाइकली टू प्रेसिपिटेट डायबिटीज देन साइक्लोस्पोरिन, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन। चलिए बढ़िया, पकड़ो, ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट, ओनली टू स्टेटमेंट, ओनली थ्री स्टेटमेंट एंड ऑल आर करेक्ट। बहुत बढ़िया, कोई आ रहा है क्या लाइन में आंसर देने के लिए? चलो गुड, एक बार एक एक लाइन सुनना चाहोगे, आपको डिफरेंस ये से क्रिएट करा दूं। सुनो, टैक्रोलिमस इज 100 times मोर पोटेंट देन साइक्लोस्पोरिन। हाँ जी, टैक्रोलिमस 100 times मोर पोटेंट होता है, अगर मैं बात करता हूं किसके बारे में, किससे इनविट होते, किसके बारे में, साइक्लोस्पोरिन के बारे में। साइक्लोस्पोरिन टैक्रोलिमस बाइंड टू सेम प्रोटीन, माफ कीजिएगा बेटा, माफ कीजिएगा, टैक्रोलिमस बाइंड टू द साइक्लोफिलिन, बट साइक्लोस्पोरिन अभी आपने बोला था किससे बाइंड करती है, बाइंड विद द कैल्सिन्यूरिन, किससे बाइंड करती है, कैल्सिन्यूरिन। क्या सेम है क्या, काट दो, सेम है क्या, नहीं। चलो, टैक्रोलिमस मोर लाइकली टू प्रेसिपिटेट डायबिटीज देन टैक्रोलिमस, यही यही एक इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक हो जाता है। तो आंसर क्या सही हुआ, ओनली थर्ड इज द करेक्ट, टैक्रोलिमस की बाइंडिंग होती है साइक्लोफिलिन से, साइक्लोस्पोरिन की बाइंड होती है कैल्सियन से, पहला। दूसरा, टैक्रोलिमस इज 100 times मोर पोटेंट देन साइक्लोस्पोरिन, कौन है वो महानुभाव जो साइक्लोस्पोरिन और टैक्रोलिमस को एक ही क्लास में रख डाले हैं, सेम बाइंडिंग करवा डाले हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर क्या हुआ। आज मुझे आप लोगों को जरूर अपना रिजल्ट कार्ड जरूर बताना, मुझे आज अपना रिजल्ट कार्ड जरूर बताना, और वो लोग जरूर बताए ना जो शुरू में कह रहे थे सर फॉर्म बड़े इजी क्वेश्चन लग रहा है, ये तो इतनी इजी क्वेश्चन लग रहा है कि तुम आंख मूंद के बंद कर देंगे, है ना, वो वाले जरूर बताएंगे। आंसर क्या हुआ, ओनली थर्ड इज द करेक्ट, ऑल ऑफ द अबव तो नहीं है। चले आगे, टैक्रोलिमस 100 times मोर पोटेंट, साइक्लोस्पोरिन बाइंड विद द साइक्लोफिलिन, बट अगर हम बात करते हैं केमिकली डिफरेंट है, सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, बाइंड टू द डिफरेंट इम्यूनोफिलिन एंड कैल्सिन्यूरिन, अलग अलग से बाइंड करती है, करेक्ट है। मैच द फॉलोइंग विद देयर रिस्पेक्टिव एडवर्स इफेक्ट, प्रोकार्बाजिन अभी आपसे बोला था, अच्छा वो वाला ऑप्शन नहीं है, छोड़ो उसको भी बाद में बात करते हैं। सिस्प्लैटिन की बात करते हैं, सिस्प्लैटिन में क्या देखने को मिलेगा, ओके, एक्टिनोमाइसिन डी, डॉसिपैक्सल, पैक्लिटैक्सल, चलो आ जाओ। हां जी, वही वही टैक्रोलिमस है, वही टैक्रोलिमस है जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए आइए, प्रोकार्बाजिन की बात करते हैं, अभी आपसे बोला था वोमिटिंग इफेक्ट मिलेगा तो मुझे सीएनएस इफेक्ट पे जाना पड़ेगा, 1 for 3, दो ऑप्शन बचे मेरे पास,
सिस्प्लैटिन की बात करते हैं, सिस्प्लैटिन की बात करते हैं तो सिस्प्लैटिन में मुझे क्या मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, वोमिटिंग मिलता है, शॉक वहां पे आपको देखने को मिलेगा, 2,4-Q. एक्टिनोमाइसिन डी की बात करते हैं तो एक्टिनोमाइसिन डी क्या करता है, मेरे स्किन पे सोरियसिस वाली कंडीशन होती है ना, यानी डिस्क्वेमेशन ऑफ द स्किन करेगा। डॉसिटैक्सल की बात करते हैं, चलो डॉसिटैक्सल की बात करते हैं तो डॉसिटैक्सल मेरा क्या, न्यूट्रोपिनिया, हां जी न्यूट्रोपिनिया कॉज करेगा, और पैक्लिटैक्सल क्या करेगा, न्यूरोपैथी कॉज करेगा। मिलाओ आंसर, पकड़ो आंसर, बताओ आंसर क्या है। सिंपल सी आंसर सही है ना, 5-4-S, ठीक है। कैसे 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 आया, कैसे आया, प्लीज स्क्रीनशॉट ले लेना। सिस्प्लैटिन शॉक लाइक स्टेट, प्रोकार्बाजिन न्यूरोटॉक्सिसिटी, हिपेटोटॉक्सिसिटी एंड पेरिफेरल न्यूरोपैथी। एक्टिनोमाइसिन डी, एक्टिनोमाइसिन डी की बात करते हैं, बोन मैरो, एलोपेसिया एंड डिस्क्वेमेशन ऑफ द स्किन। डॉसिटैक्सल न्यूट्रोपिनिया, मोर देन पैक्लिटैक्सल की बात करेंगे, पैक्लिटैक्सल की बात करेंगे तो न्यूरोपैथी कॉज करेगा। प्लीज एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, सिस्प्लैटिन शॉक से आएगा। चलिए बढ़िया, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा बेटा, क्योंकि मैक्सिमम चीजें मैं मुझे अच्छे से याद आ रही है क्योंकि मैंने क्लास में कराया है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी मेरी बातें सुनने की कोशिश करते होगे ना तो ये सारे आंसर निकलने चाहिए। इफ एलोपिरिनोल इज एडमिनिस्टर्ड अलोंग विद द 6-मर्कप्टोप्यूरिन देन इट रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट इंसिडेंट। ओके, इंक्रीज पोटेंशी, पोटेंशी तो नहीं बढ़ेगी, इंक्रीज टॉक्सिसिटी बोथ। चलो ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन बढ़ेगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा, मेटाबॉलिज्म कम होगा तो पोटेंसी बढ़ जाएगी, हाँ कह सकते हैं पोटेंसी बढ़ेगी। लगन के टाइम पढ़ाएंगे सर, अच्छा बेटा मैं क्या करूं, आप ही, मैं सीधे टिक कर दूं क्या, मैं सीधे टिक कर दूं क्या? देखो एलोप्यूरिनोल 6 MP में भी मेटाबॉलिज्म बता दिया हूं, एलोप्यूरिनोल इनहिबिट करेगा तो 6 MP का डोज रिड्यूस हो जाएगा, और डोज रिड्यूस हुआ, ध्यान से सुनो, डोज रिडक्शन हुआ तो पोटेंट हो गई कि नहीं, पहली चीज, हां जी पोटेंसी इंक्रीज होगी, पोटेंसी इंक्रीज होगी पहला चीज। दूसरा चीज, अगर थोड़ा सा भी डोज हमने बढ़ा के दे दिया तो टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज हो जाएगी, तो आंसर क्या होगा, सी देखने को मिलेगा कि नहीं, पोटेंसी भी इंक्रीज होगी और टॉक्सिसिटी भी इंक्रीज होगी, तो आंसर हुआ क्या, यस बोथ यहां पे देखने को मिलेगा, दोनों चीजें मेरी बढ़ सकती हैं अगर मैं कोरिलेट करूं तो। सिंपल कहानी थी कि मेटाबॉलिज्म कम हुआ, ड्रोज का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो टॉक्सिसिटी, और वो दोनों चीजें देखने को मिलेगी। नेक्स्ट आ जाओ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एक्ट बाय द इनहिबिटिंग टायरोसिन काइनेज एक्टिवेटेड बाय द EGF रिसेप्टर एज वेल एज HER2। ओके, ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, ठीक है जल्दी से कंफर्म करना, एक ही चीज की बात हो रही है वैसे तो। अगर आप यहां पे कंफ्यूजन, अब देखो क्या है, ये सारी मेरी जितनी भी ड्रग है ना, ये सब मेरी यहां पे काम करती है, लेकिन अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी ड्रग है एक्ट बाय इनहिबिटिंग टायरोसिन काइनेज, ठीक है, टायरोसिन काइनेज की तो ये सारी है, पहला चीज। नेक्स्ट काइनेज एक्टिवेटेड बाय EGF रिसेप्टर, EGF से भी और HERT2 से भी, EGF और HERT2 दोनों की बात हो रही है, बहुत बढ़िया, थोड़ा सा क्वेश्चन कुछ ज्यादा ही अलग लेवल का ये क्वेश्चन चला गया है। चलिए ओके, एक मैं इसको बोलता हूं इमेटिनिब, नेलोटिनिब एंड डोसाटिनिब, INDI की बात करता हूं, INDI मेरा इपिडर्मल इपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर के आता है, इपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर पे काम करता है, और जब मैं अगर बात करता हूं मेरी वहां पे कौन सी आती है, जेफोटिनिब इरलोटिनिब, ये जो मेरी ड्रग होती है ये HERT2 पे केवल काम करती है। लेकिन याद रखो लैपाटिनिब एक और इकलौती ऐसी ड्रग है जो केवल, जिसमें दोनों प्रॉपर्टी होती है, मतलब वो EGF को भी इनहिबिट करती है, मींस इपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर को भी इनहिबिट करती है, और साथ में ह्यूमन इपिड्यूरल ग्रोथ फैक्टर दोनों को इनहिबिट करती है, केवल और केवल कौन सा, लैपाटिनिब की बात करूंगा। देखो मैंने आपको कंफर्म किया, इमेटिनिब देखो लिख लो, इमेटिनिब EGF, जेफ्टिनिब एंड इरलोटिनिब दिस इज HERT2, लैपाटिनिब बोथ, इसका क्लासिफिकेशन KDT के डायरेक्ट लाइन से होगा। क्या है देखो, टारगेटेड एंटी कैंसर में हमने क्या बोला, ABL टायरोसिन काइनेज इनहिबिटर, जहां पे मैंने आपसे बोला क्या, यहां पे मेरा आ गया क्या, इमेटिनिब डेसाटिनिब निलोटिनिब की बात करते हैं,
EGF, HER receptor, Jeftinib, Erlotinib, Cetuximab, यहाँ पे मेरी आती है तो ये एक अलग हो जाता है. ओके, वीकली टेस्ट में आया था. बढ़िया बढ़िया. चलिए नेक्स्ट. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? क्या न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट? न्यूरोकाइनिन तो आपके एनके रिसेप्टर एंटी कैंसर में ही पढ़ाया था. डायरेक्ट क्लासिफिकेशन है. क्या बोला था? जहां भी पिटेंट देखने को मिल जाए, क्या जहां भी पिटेंट देखने को मिल जाए वो आपकी क्या है? न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर है. पिटेंट ग्रैनिसेट्रॉन तो नहीं होगी, 5-HT3 एंटागोनिस्ट है. मेटाक्लोप्रामाइड नहीं होगी क्योंकि आपकी प्रोकाइनेटिक में चल देगी. एंड ट्राई मेथोबेंजामाइड ये यहाँ पे है ही नहीं है. क्या है? एप्रेपिटेंट. दिस इज द NK1. जी हाँ, NK1 की बात किया था. न्यूरोकाइनिन वन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होता है. एप्रेपिटेंट की बात करेंगे. चलिए जल्दी से चलूंगा बेटा, ज्यादा टाइम ना लेते हुए. एप्रापिटेंट, न्यूटोपिटेंट, रोलापिटेंट एंड एप्रेपिटेंट, ये फोर ये सारी मेरी होती है. कौन सी? एप्रेपिटेंट इसी में आ जाती है. द ड्रग रिड्यूस थ्रू बायोटेक्नोलॉजी फॉर कैंसर ट्रीटमेंट इज सॉरी प्रोड्यूस बाय प्रोड्यूस. ठीक है, प्रोड्यूस की बात हो रही है तो आपको सिंपल समझ में आना चाहिए कि प्रोड्यूस्ड हो रही है तो यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में मैंने इंटरफेरॉन और इंटरल्यूकिन टीएनएफ अल्फा इन सब के बारे में जरूर पढ़ा होगा. यहां पे देखो इंसुलिन, थोड़ा मुझे पता है स्पेलिंग गलत लिखी है पर परेशान मत होना, वही इंसुलिन की बात हो रही है. ह्यूमन ग्रोथ फैक्टर एंड टीएसएच, इन तीनों का तो कोई भी रोल कैंसर से नहीं है. इंटरफेरॉन का है. हाँ जी, इंटरफेरॉन मेरी जो होती है ना, ये मेरी क्या करती है? बायोटेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस की गई है. रिकॉम्बिनेंट बायोटेक्नोलॉजी, आरडीएनए टेक्नोलॉजी जिसको बोलते हैं, उसके थ्रू प्रोड्यूस की गई है. और हाँ, कैंसर में इसको हम यूज करते हैं. करेक्ट है, आंसर ए है. चलिए आगे चले बेटा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ जी, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट. द रेजिस्टेंस टुवर्ड 6-mercaptopurine इज ड्यू टू द अल्टरेशन ऑफ द HGPRT. बहुत बढ़िया. एलोप्यूरिनॉल इंक्रीजेस द एक्शन ऑफ 6-mercaptopurine. एज़ाथियोप्रिन इज प्रो ड्रग ऑफ 6-mercaptopurine. 6-mercaptopurine इज गिवन विथ ल्यूकोवेरिन. यार ये लास्ट वाली लाइन देखो, सब भूल जाओ. ल्यूकोवेरिन, ल्यूकोवेरिन इज द एंटीडॉट फॉर द मेथोट्रेक्सेट. किसकी होती है? मिथोट्रेक्सेट की एंटागोनिस्ट होती है. 6-mercaptopurine के साथ इसको देने का क्या मतलब है? आपसे इनकरेक्ट पूछा गया है. बात आगे चलो. 6-mercaptopurine SGPRT अल्टरेशन में. हाँ जी, एलोप्यूरिनॉल अभी बोला कि एक्शन को बढ़ाती है. एज़ाथियोप्रिन प्रो ड्रग है, ये भी हमने बात किया तो लास्ट में हमारी आ गई ना. नितिन बात सही है, बायोटेक्नोलॉजी से इंसुलिन, लेकिन इंसुलिन का कैंसर में कोई रोल है क्या? क्वेश्चन पढ़ा था आपने, क्या है कैंसर में जो यूज हो. चलिए आंसर आपको मिल गया 6-mercaptopurine. करेक्ट है. चलिए बहुत बढ़िया बच्चों, आगे चले. चूज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग एंड मैकेनिज्म. रॉन्ग कॉम्बिनेशन ड्रग एंड मैकेनिज्म की बात हो रही है. ठीक है, देखो जल्दी से. ब्लियोमाइसिन की बात करिए. ब्लियोमाइसिन डीएनए फ्रेगमेंटेशन, फ्लुडराबिन. रॉन्ग पूछा है. ब्लियोमाइसिन डीएनए फ्रेगमेंटेशन ठीक है, क्योंकि आपको बोला था क्या, ये मेरी सेल साइकिल स्पेसिफिक है. फ्लुडराबिन डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर. हाँ जी, पेमेट्रेक्सेट यानी ये. ओके 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 ओके, मिथोमाइसिन ठीक है. ओके बेटा देखो, सिंपल. ब्लियोमाइसिन जी हाँ, डीएनए फ्रेगमेंटेशन पे काम करती है. फ्लुडराबिन की बात करेंगे, डीएनए पॉलीमरेज इनहिबिटर करती है क्योंकि फ्लुडराबिन हमारी प्रोड्रग होती है. पेमेट्रेक्सेट यानी टैक्सेन डेरिवेटिव. टैक्सेन डेरिवेटिव भैया थायमिडिलेट सिंथेटेज में कब से काम करने लगी? टैक्सेन डेरिवेटिव जितनी होंगी माइटोटिक फेज पे काम करेंगी. माइटोटिक फेज पे काम करेंगी हमारी सिंपल, वहां पे क्या करेंगे? माइटोटिक स्पिंडल के फॉर्मेशन पे इनहिबिट करेंगी. मिटोमाइसिन की बात करेंगे, हांजी अल्काइलेटिंग एजेंट होता है. तो आंसर तो यहां पे सिंपल ये है. चलिए आंसर आपको सिंपल मिल गया. रॉन्ग पूछा गया था, रॉन्ग आपको आंसर. ये डी किसने दिया भाई? अरे ऑब्वियस सी बात है यार, मिटोमाइसिन हांजी अल्काइलेटिंग एजेंट होता है. थोड़ा सा एक बार क्लासिफिकेशन सेल साइकिल नॉन सेल साइकिल वाले उठा के तो देखो. देखो सिंपल, थैलिडोमाइड सिंथेटेज, डाइहाइड्रोफोलेटेज, राइबोन्यूक्लियोटाइड जी हम ग्राफ की बात करते हैं, इन पे हमारी काम करेगी. वाह, डी आ गया. बहुत बढ़िया, खूब अच्छे से, खूब अच्छा पढ़ रहे हो. द रेजिस्टेंस टू द मेजोरिटी ऑफ द एंटी कैंसर एजेंट इज मेनली ड्यू टू. द रेजिस्टेंस ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द एंटी कैंसर एजेंट इज मेनली ड्यू टू इंक्रीज मेटाबोलिज्म, अल्टरेशन ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी, ड्रग इफ्लक्स फ्रॉम टारगेट टिश्यू, रिसेप्टर डाउन रेगुलेशन, मेटाफेज अरेस्ट. जितने भी एंटी कैंसर ड्रग है ना, इनका मैक्सिमम जो आप बात करोगे ना, मैक्सिमम जो इनका रेजिस्टेंस डेवलप होता है वो एक ही तरह से होता है, इफ्लक्स होने की वजह से.
किसकी वजह से? इफ्लक्स होने की वजह से मेरा ये काम करता है। तो हां जी, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म यहां हमारा ड्रग का नहीं बढ़ता है, अल्टरेशन से नहीं है, ड्रग इफ्लक्स फ्रॉम द टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू से अगर ड्रग बाहर चले जाएगी तो ड्रग काम कहां करेगी? तो रेजिस्टेंस डेवलप होने का सबसे मेजर तरीका क्या हुआ? मेनली ये होता है क्योंकि यहां पे ड्रग इफ्लक्स होती है, टारगेट टिश्यू से बात करते हैं। ठीक है, चलिए, ठीक है ठीक है, मैं समझ रहा हूं बेटा, टाइम हो गया है, चलो। चूज द रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैटेगरी एंड यूज। अमीनो ग्लूटेथिमाइड एड्रेनल हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर पोस्ट मेनोपॉजल ब्रेस्ट कैंसर। रॉन्ग कॉम्बिनेशन, अमीनो ग्लूटेथिमाइड की बात हो रही है। एनेस्ट्राजोल एरोमेटाइज इनहिबिटर है, ब्रेस्ट कैंसर की बात करेंगे। ओके, बहुत बढ़िया। बिकालूटामाइड एंटी एंड्रोजन होता है, प्रोस्टेट कैंसर में यूज करेंगे। ठीक है, और रिटुक्सिमैब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और कोलोरेक्टल कैंसर में यूज होगा। रॉन्ग कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग कैटेगरी एंड यूज की बात हो रही है। रिटुक्सिमैब, बहुत बढ़िया। मैराथन एमसीक्यू सीरीज एमसीक्यू अपलोड करवा दीजिए। क्यों नहीं बेटा, मैं क्लास बंद करके आपके मैराथन एमसीक्यू में वही एमसीक्यू ही अपलोड करवा देता हूँ। एमसीक्यू तो सॉल्व भी करते रहते हो ना, अभी कम हो तो वो भी करवा देता हूँ बेटा अपलोड। पहले वही अपलोड करवा देता हूँ सब कुछ। यहाँ पे जरूरत क्या है आप लोगों की कैंसर क्लासेस की? पढ़ाई तो देख ही रहा हूँ ना बेटा, मैं आप लोगों से शायद मैं कुछ ज्यादा उम्मीद करके बैठ गया था, आप लोगों से मैं कुछ ज्यादा ही उम्मीद करके बैठ गया था। और ये चीज देख के मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट वाली चीज है कि भैया इतना मैंने पढ़ाया है, खासतौर पर डायरेक्ट क्वेश्चंस वाली चीजें पढ़ाई है पता नहीं कितनी बार, और उसके बाद आप लोग ये गलती कर रहे हो। लिटरली आपको लग रहा है कि मेरा पढ़ाने का तरीका ये होता है जैसे मैं पढ़ा रहा हूं? नॉट हैप्पी विथ योर प्रिपरेशन जहां पे भी हो, क्योंकि मैं आपके प्रिपरेशन के लेवल की बात नहीं कर रहा हूं, मैं वहां की बात कर रहा हूं जो मेरा ड्रीम है। छोड़ो, जाने दो। चलो, रॉन्ग कॉम्बिनेशन पूछा है। एनेस्ट्राजोल हमारा ब्रेस्ट कैंसर में एरोमेटेज इनहिबिटर चलेगा, अमीनोग्लूटामाइड हमारा हार्मोन सिंथेसिस इनहिबिटर में काम करेगा, बिकालूटामाइड हमारा प्रोस्टेट कैंसर में चलेगा, एंटी एंड्रोजन है, बिल्कुल ठीक बात है। रिटुक्सिमैब की बात करूंगा, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, लेकिन ये हमारा यूज होता है किसमें? नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में यूज होता है। किसमें यूज होता है? नॉन हॉटकिंस लिम्फोमा में यूज होता है। अगर सिटुक्सिमैब होती है, नेक्स्ट मेरी आती है सिटुक्सिमैब, वो भी मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, वो मेरी यूज होती है कॉलन और रेक्टल कैंसर में यूज होती है। ये चीजें आप जरूर एक बार याद रखिएगा। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या हुआ? रॉन्ग पूछा गया, डी आंसर मेरा रॉन्ग है, इसको एक बार थोड़ा सा रिकॉल जरूर कर लिएगा, मेरा क्वेश्चन आपसे यही होगा। चलिए, क्रिशन टेस्पेज, ध्यान से सुनना, ये ज्यादा कहानी नहीं है। हाँ भाई, मुझे पता है सारी गलती मेरी ही होगी, अगर मैंने मैसेज आप लोगों को डाला था कम्युनिटी में तो एक बार कम्युनिटी में आप लोग कमेंट तो देखोगे नहीं, कम्युनिटी में जाके देख लो मैंने कितने बजे अपलोड कर दिया था कि आज फार्माकोलॉजी की एंटी कैंसर क्लास होगी, देखा है एक भी बार? बेटा क्या करूं, बेटा बताओ। चलो, क्रिशन टेस्पेज की बात करते हैं, यानी सिंपल बात करूंगा ना, इसको एस्परजिनेज एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रिशन एप्टेज की बात करता हूं, इसको बोलते हैं एस्परजिनेज एंजाइम बोलते हैं, वही एल एस्परजिनेज की बात करता हूं, वही वाला एंजाइम है, उसी में कोई अलग नहीं है। और ये सिंपली क्या करती है? ये सिंपली मेरी क्या करती है? कन्वर्ट्स एस्पार्जिन टू एस्पार्टिक एसिड, यही तो बताया था। हां जी, ये मेरी एस्पार्जिन को एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करती है, क्योंकि एस्पार्जिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसर। आपने जब उसको कन्वर्ट कर दिया तो कैंसर कहां से होगा? तो ये यहां पर काम करती है, करेक्ट है। चलिए, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइनल करो जल्दी, आप इसको एक बार देख लेना। मैंने आपसे बोला क्या? एल एस्पार्जिनेज, वही मेरा एक ही एंजाइम, एज लगा है, कैंसर में एक ही एंजाइम होता है, कोई और नहीं होता है, जो क्या करता है? एस्पार्जिन को एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। बात उसी की हो रही है, नाम खाली घुमा दिया, मतलब एल एस्पार्जिनेज के बारे क्रिशन एप्टेज कर दिया गया, तो आप कंफ्यूज। बहुत बढ़िया, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर द विंका एल्कलॉइड एज एंटी कैंसर एजेंट। मॉलिक्यूलर टारगेट फॉर द विंका एल्कलॉइड, विंका एल्कलॉइड की बात हो रही है, ट्यूबुलिन।
विंका एल्कलॉइड की बात हो रही है, कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं है। ट्यूबुलिन आपको आंसर मिल गया होगा, एक लाइन में आंसर मिला होगा। माइक्रोट्यूबुलिन पे काम करता है, पॉलीमराइजेशन ऑफ ट्यूबुलिन प्रोटीन को इनहिबिट करता है, करेक्ट है। चलिए लास्ट क्वेश्चन फाइनल करो। डिसमिनेशन ऑफ कैंसर अकर्स थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवे एक्सेप्ट। चलिए डिसमिनेशन ऑफ द कैंसर पता है क्या होता है, मेरे जो टोटल कैंसर का एक सेडिमेंटेशन होता है, या मैं सिंपल बोलूं सर कल कौन से सब्जेक्ट की क्लास होगी, कल बेटा फार्माकोग्नोसी होगी, वही जिसके लिए आप लोग ये हो ना कि आप उसमें महारथी हासिल करके आए थे सर। गेट गेट 2022 बेटा, गेट की बात कहां से यहां आ गई। डिसमिनेशन कैंसर अकर्स थ्रू द वन ऑफ द फॉलोइंग, नहीं बेटा लिम्फैटिक सेट पूछा है, लास्ट लाइन पढ़ना, एक्सेप्ट लिम्फैटिक स्प्रेड से भी होता है, डायरेक्ट सीडिंग से भी होता है, हिमाटोजेनस स्प्रेड से भी होता है, लेकिन माइग्रेशन वाला कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं आता है। एक लाइन पढ़ो जरा सिंपल, देखो हमने सिंपल बात किया, डिसमिनेशन की बात किया, जहां से हमारा फैलता है, मेटास्टेसिस करेगा वहां से हमारा स्प्रेडिंग होगा, लिम्फेटिक स्प्रेड होगा, हिमाटोजेनस स्प्रेड होगा, डायरेक्ट सीडिंग होगा, लेकिन वहां पे कहीं भी हमारा ये चीज नहीं है। चलिए थैंक यू। नॉट हैप्पी, सिंगल परसेंट नॉट हैप्पी विथ योर प्रिपरेशन, क्योंकि एंटी कैंसर बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने। मैं अगर बात करूं 50 में से लगभग 45 से क्वेश्चन ऐसे हैं जिनको मैंने डायरेक्ट आपको पढ़ाया है। नहीं विश्वास है तो प्लीज जाके एक बार मॉड्यूल ना उठाना, वीडियो जरूर देखना जो मैंने क्लासेस में कराया है, और उसके बाद अगर आप लोग ये रिस्पॉन्स दोगे सो इट ब्रेक मी, ठीक है। चलिए थैंक यू, कल के लिए मेहनत करिएगा, कल अच्छे से क्लास दीजिएगा, एंड थैंक यू। Good night, everyone.